एक्सपीरियंस यानी कि कालाचांद पे हम आप पहुंचे और कि हम लोग का कालाचांद में जो था वो प्रॉब्लम अभी छोलोचन में आने के लिए खुशी से अभी कर रहे हैं। जो हम लोग का प्रॉब्लम जब तक हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे तो हम लोग डिमांड पे करते हैं। रेशन कार्ड लखरेब सुलिए माइथार दो माइथार यादा माइरं दाम खम जाला सुलिए रो लखरेब रेशन कार्ड दंमा नांदो रेशन कार्ड माइथारमा नांदो जु मगं जां लिंगदा गिबे दाखलाय जाव रां रिरिबा जां ओ दाब्राय जाव जारनि बुट के रां। नमस्कार, मैं हूं जैद नूनिसा और आप देख रहे डीमा हसाओ का नंबर वन न्यूज चैनल यानी कि NDH। और आज हम आप पहुंचे हैं डीमा हसाओ की MSC कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि कालाचांद पे हम आप पहुंचे और आप सभी को सबसे पहले हमारे कालाचांद की कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी पब्लिक और अलग अलग पार्टियों का हमारे आज की जो शो का नाम है डीमा हसाओ से दिसपुर तक, ये शो में सबसे पहले आप सभी को हम स्वागत करते हैं। और आज हम सवाल करेंगे, आज का मुद्दा होगा कि डीमा हसाओ से इस बार दिसपुर तक आखिर भेजेंगे आप लोग किसको, क्योंकि आप सभी को पता है डीमा हसाओ में सिर्फ एक ही सीट है, 16 हाफ लॉन्ग ST रिजर्व ये MLA सीट है। और इस MLA सीट से आखिर डीमा हसाओ से दिसपुर तक किसको आप लोग भेजेंगे। और सबसे पहले हम आप सभी को बताते हैं आज का जो मुद्दा है वो है MLA रिलेटेड। आखिर MLA ने पिछले बार क्या किया है और आने वाले दिन किस तरह का MLA को आप लोग भेजना चाहते हैं ऊपर, इस इशू में बात होगा। और हम MSC का बारे में हम थोड़ा कम बात करेंगे, मैक्सिमम हम बात करेंगे MLA के इशू में। तो सबसे पहले हमारे यहाँ में आज आप पहुँचे हैं डीमा हसाओ के आत्सू यानी कि ऑल डिमासा स्टूडेंट यूनियन के कुछ लोग हैं, यहाँ पे लीडर्स हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको स्वागत करते हैं, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम भोजेंद्र भाटारी, मैं आचु माइबांग जोनल कमिटी का सेक्रेटारी हूँ। आं आचु माइबांग जोनल कमिटी नी दांग होजा। ठीक है, तो आप बताइए एज ए स्टूडेंट लीडर, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप बताइए कि डीमा हसाओ में, सिर्फ कालाचांद के नहीं आपसे पूछता हूँ, डीमा हसाओ में सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है और आने वाले दिन में क्या चीज़ को सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीमा हसाओ जिन नुबाला बिंग ए स्टूडेंट लीडर जिंगला न्यूट्रल ग्रुप से जिन कन्स्टिट्यूशन उलि दों उलि बने जिंगला साउथ पार्टी की जिन अपोज बखलाय दाउया सपोर्ट बखलाय दाउया सिखाबो सेरे मा बखलाय दु जिनि फ्यूचर लाय खामिया दा मासबा क्लाबु नांग बा बुखलाय जिनाले बखलाय थांला जानि बखलाय लामासे सिखला जिं हो नुबाले सिखला जिनि डिमा सवा प्रब्लेम ला रुट ब्रेन बदों खो आर नुलाय नुलाय हाबो खारेन बु सुइया खो हिम सिथिमा सिखला स्टुडेन्ट लिडार हिसाब जों जिनि इडुकेशन हाबो उलि जायाखो सिखां सिखां नाय बिलेस बिलि दो गिदिबाराव दंबा बुसि रिंगिगिरि अफिसाराव दंबा बुसि गभमेन्ट स्कुलान फुरि थांदा बिसे सिखाब जिनि नाय हला गभमेन्ट खुसिला गभमेन्ट स्कुल फ्लो मच खुसिन रिया बुफ मेन प्रब्लेम। ओके, अभी बताया कि आचू की तरफ से सबसे मेजर प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम को लेकर, जो एजुकेशन सिस्टम को लेकर ही जो यहाँ में जो गवर्नमेंट स्कूल में जो काफ़ी प्रॉब्लम उन्होंने कहा है कि इस बारे में हम और भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप एक बात बताइए कि हमारा जो मुद्दा है वो है डीमा हसाओ से दिसपुर तक, तो ये आने वाला अप्रैल का 1 तारीख को MLA इलेक्शन है। ठीक है, तो आप बताइए एज ए डीमा हसाओ, आप छोड़ दीजिए कि अभी आप स्टूडेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन से है, आप एज ए पब्लिक आप बोलिए कि आपको डीमा हसाओ से किस तरह का लीडर आपको चाहिए, किसी के पार्टी का नाम लेने का जरूरत नहीं, पार्टिकुलर लीडर का किस तरह का क्वालिटी होना चाहिए बताइए। आनी बाउठाले इसकाला फर्स्ट बुशबुंग लीडर जिनी इबो डीमा हसाओले 16 ST जिन सौसिसिनि कैंडिडेट बुशबुंग फर्स्ट साउंडमैन जामा नांगमा बिदे साउंडमैन जामा नांगमा इसकाला बु बुन खुरां दंमा नांगमा बु जिनी इबो डीमा हसाओनि दुखु हाजिखे जिनी ग्रिभेन्सेस के दिस असेंबली हा दिसपुर हा क्रेबनेस का चीफ मनांगमा ओदे जिनि दुखु हाजिके बुगे सिदादा मायरि फिनाब जामा नांगमा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आ सिमा नांगजोबो बु सोशियली कनेक्टेड पर्सन जामा नांगमा बु क्रिब डिमा क्लास ओनि जासिं माइबांगनि जासिं बा गिबिंग गिन कन्सेंट डिमा सोनि के जागा हा दंयाबा मिथियाबा सोशियल रिलेटेड जेबो सुफुं जामा नांगमा थिखासे बु ओरा थांदादा गिबि गिबि के चीफ मा दुखु हाजिके मि चीफ मा बु ना मागु सजि लेबाले बाले बाले रायबा सुफुं जिनि नांगिया ओदे हे सेल्फ डिटरमाइन जामा नांगमा बु स्पिरिट स्काला जि नुबाला इसकाला लिडार बुथु सार सार दे दे बांदाव उलिबानी ओराबु आसमा इदिक्लाय सेन उदिक्लाय सेन उलि जाया मा जि गिबि गिबि नाजि बुके गिबि चिफ नांगमा नांखला मासि पार्टी ला सोलाला इस्ति सिबुंनि खारेक्टर हाम नांगमा बुन दांथाय सिथाय हाम नांगमा उलि याबा जा जामा नांगमा बु फुफेट जाबा हाम नांनिया बु मलाय इदेट सेन दंला मोन मलाय नियाखौ दं मानिया बु गिबि हे गिबि सिमा नांगया के नांगया सिमा नांगमा ओदे हे अमुलै। ओके ठीक है, हम आते हैं आपके पास।
तो हम और भी आपको जानकारी देंगे इस बारे में। और हमारे साथ फिलहाल अभी और भी बोथ पार्टी से है, बीजेपी की तरफ से है, कांग्रेस की तरफ से। और आप सभी को पता है कि डीमा हसाओ में इस बार जो इलेक्शन जो होने जा रहा है इसमें टोटल चार पार्टी पार्टिसिपेट कर रहा है, और चार पार्टी में से दोनों पार्टी के तो आप लोग को पता ही है, बीजेपी और कांग्रेस। और इन दोनों पार्टी के अलावा भी और भी एक नया पार्टी एंट्री दिया है डीमा हसाओ में, वो पार्टी का नाम है भारतीय ट्राइबल्स पार्टी, यानी कि BTP एक पार्टी, जो कैंडिडेट नाम है उनका नाम है खानदन डाउला गुफू, और एक है JDU जनता दल यूनाइटेड, उनका नाम है लोंगही इंगही, तो वो उमरांगसू से है। और इस बार जो है चार लोगों का कॉन्टेस्ट होगा यहाँ में। तो कुछ यहाँ के महिलाओं से हम जानने के लिए कोशिश करेंगे कि इस बार आप लोग जिनको चुन के भेजेंगे यहाँ से डीमा हसाओ से, तो आप BJP से है वैसे, तो आप बताएं कि इस बार BJP की तरफ से पहली बार एक महिला कैंडिडेट को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी से, तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, आपका आशाएँ क्या है, क्या वो ऊपर जाके डिसपुर में जाके कि अपना जो काम जो है पूरी तरह से कर सकेंगे, क्या आशा है? सर नमस्कार, इंडियस ग्रुप और मेरा नाम है नाले हपलोंगबार, और मेरा टीम है वो माईबंग मंडल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी। और मैं चाहता हूँ ये जो हम लोग का डीमा हसाओ का जो अभी MLA जो ये मेला था, कैंडिडेट जो मिला था उसको हम लोग का अमित है जो वो डिस्पोर्ट असम माने हम लोग डीमा हसाओ से असम डिस्पोर्ट जाकर वो अपना काम खुद कर सकेंगे, क्योंकि किस लिए उसको हम लोग टिकट मंगाया था, जिस लिए हम लोग टिकट डिमांड किया था वो अपना काम खुद कर सकेंगे, किस लिए महिला को किस लिए हमें देना चाहता था। हम पहले में जो जितना जो लोग था जितना जो MLA था, मिनिस्टर था, जो EM CM जितना था, जेंट्स के लोग लड़का लोग का लिए हाँ, उसी समय में जो अभी BJP गवर्नमेंट आकर जो जिस तरह जो अपना गाँव गवर्नमेंट जो अपना डिस्ट्रिक्ट में जो जिस तरह जो BJP का काम कर रहा था इसी कभी कभी भी नहीं देखा, इसलिए जो हम लोग चाहता हूँ जो हम लोग का डीमा हसाओ में जो महिलाओं को जो अगर ऊपर बेस कर हम लोग देखेंगे जो हम लोग का काम कर सकेंगे, इसलिए वही सोच कर हम लोग का जो हम लोग का महिलाओं को हम लोग BJP गवर्नमेंट का तरफ से उसको जान माने लेखा पढ़ाई भी है, उनका जनता भी है, उसका दिमाग भी है, उसका टैलेंट भी है, इसलिए तो हम लोग इसके बेचना चाहता है तो हम लोग का काम डीमा हसाओ को लिए डेवलपमेंट कर सको। सबसे पहले बताए आप तो यहाँ के लोकल है जी हाँ, वैसे आप करते क्या है? हम लोग करते हैं तो हम डेवलपमेंट के लिए जो आप करते क्या है वैसे नाजिक लाइजो हम खाते हैं माने हाउसवाइफ है। अच्छा ठीक है, तो आप बताइए एज ए हाउसवाइफ आप बताइए कि कालाचांद कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेजर प्रॉब्लम क्या, आप लोग कौन सा समस्या का ऊपर आप लोग एकदम फेस करना पड़ रहा है? हम लोग का हाउसवाइफ का प्रॉब्लम है जो पहले में हम लोग का जो घर घर में कोई चूल्हा कोई किसका गैस नहीं था, कोई किसका माने हर प्रॉब्लम हम लोग का लड़के का चलता रहा था। अभी जो हम लोग अपने जब BJP गवर्नमेंट जब आया था उसी समय से हम लोग हर गांव में जो हमारा गांव गांव में अपना घर घर में गैस मिला है BJP का तरफ से। आपका हिसाब से अभी प्रॉब्लम और कुछ नहीं है? प्रॉब्लम और है फिर भी क्या प्रॉब्लम है ये बताइए। प्रॉब्लम तो अभी है डेवलपमेंट के लिए भी डेवलपमेंट बहुत सारा बाकी करना तो है, फिर भी अभी तो जो पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट था उसी समय में जो डेवलपमेंट नहीं किया गया था वही से तो अभी तो डेवलपमेंट बहुत हॉट हो चुका था हम लोग का कालाचांद में। ठीक है, मेरा सवाल है कि अभी आपको कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे कालाचांद कॉन्स्टिट्यूएंस में, कुछ प्रॉब्लम है अभी? हम लोग का कालाचांद कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो डेवलप होना था वो तो डेवलप होते रहेगा, अभी जो होना है तो अभी होएगा, हम लोग डिमांड करेंगे। तो आपका हिसाब से अभी फिलहाल प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, हम आते हैं आपके पास फिर से। अभी हम पूछना चाहेंगे यहाँ के और कुछ महिलाएं हैं, हम आपसे पूछने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि आप कांग्रेस पार्टी से है और अभी आपको हम स्वागत करते, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दीजिए आप। ब्लॉक कांग्रेस माइबांग ब्लॉक कांग्रेस ने सेक्रेटरी सिंगला तो कालाचान हाफाया निसिन आजि प्रॉब्लम नुदु जिनि क्लासन हाफायाला प्रॉब्लम ला क्रेप जति बदो माने रिबाला रिखा खेर लामा बरि दु छ दिनिनि स्लाम दु दाहना नि गावलांगला दु ले बाइखो बुथु बरि खा जिं बाइखो रिबाजां जिनि हातान ला डेभलप जादो या जिनि मिन लाना जे चला जिं राजि हा स्किम थे माइमानां दु जिं बुसे मेन लाइजिनि डेभलप लाबोसे बो बाइखरि बाजांलाइजिनि डेभलप निया गो लामाबो स्लाम बाला स्लाम दु चो लामाबो लेनिं स्लाम ग्रं स्लाम ग्रं आर गोजों माइथिसनि दांथर सिथर हाजे हाबो हाजे दांथर सिथर चने गो बान फ्लाइदा जिं दुखु जालाय दु दुखु माइलाय दु ओबान दाराजां जिनि दुहा स्कां MLA फायाबा खे रिं बि ग्रिक बि चरा नों जिं बक्रि बुजुरु लाइदा दा नों बो MLA खे लाबुखा सब बो MLA ला दुहाला
जाते थुलाबाबो होना बारा दंलाबो दसेसे जेंलामा हांनो नुबा गेरि अदिबानि जेंला दहा जे नांजावदो जिनि हाथाना एमएलए रिङाबा गेरियाबा खेनिं जिनि जागा खेनाय सुखिनियाबा खेनिं जेंला नांजावदो अदिबानि जिन आंदेले सनजामला ओके ओके आज हम बात करेंगे काला चांद के बारे में। इसलिए फिलहाल हमारे साथ काला चांद के कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको हमारे शो में स्वागत करते हैं। आप बताइए कि काला चांद में आपका जो आमने आने वाले इलेक्शन में जो कैंडिडेट जो डीमा हसाव से एक ही कैंडिडेट है, तो कौन सा किस तरह का कैंडिडेट आपको चाहिए और क्या रीज़न के लिए आपको कैंडिडेट कैसा कैंडिडेट चाहिए? मतलब बीएलसी इबुनी कलासन हापैनी बीजेपी बीएलसी आं बाबा दोहाला हमबाला नंदिता हम डॉक्टर निर्मल के बहु जो नुखा सिजदौबाइया बोनी खरियानी माबा बुथुखौ जों नुखा रुट स्लामियाबो बुथुखे खरिया मां बिथौमोन लाबबासाबो जों नुखा ख्रेब जादि बुन खेब दांथाय जिथाय नुबुखा बुम जादि मदि क्लेखा क्लेया बु डेभलपमेन्ट बुथुखौ नुखा छबो दहा जेनि बिजेपि इलि ससे जे डेभलपमेन्ट क्लेखा जेनि थिमासे थिखादे सिक्स सिडुल थिबा कंग्रेस आरो सिक्स सिडुल खेदोम थारों माया दादि सिक्स सिडुल सेरे जानि जादि जानि दादि जादि खे दारा खे दिसा खे खंलामा ग्रेब दादि बिसि मोनहावथार लामा जों मोनहावथार लामा गारो दे दायखौ मोनथावमा दाया मोनथावमा ग्रेब दादि जिनि बबेरेङे बिसिम दादि खालायखा दिनै जों जया थावसेन सम्बोधन अदे हालदाव बेबोगे माता माब्रै जों माब्रै माबालाय जों दिस्रु जाहैबो जों इबो खालायखा स्टेसु गायखा आरो बबनि लुगु लुगुहा दिनै रानिखाजि लुखेबो फुरा इबो खालायखा जेला बिसिम दादिया दंबा बिसि जान जादि खेनिं जानि दिसा खेनिं दान दारा खेनिं मसे मिथिया अदेबानि उलि दारा दिसा मिथियाबा फाथिने आंनि बुद्रिमा मिजिङिया दहा दारा दिसा मिथियाबा जोंनि आनसार सुबुंसाबो डेभलप गलसा बयनि ससे जे स्लामखा जोंनि थाफाया बिलि डेभलपमेन्ट क्लेगा नुदुखेबो आंसि नियाख्रेबो नुदु डेभलपमेन्ट दागे थिरे सुबुं जादाव फालां दुख्रेबो जे नुलाय नाय सिगां हाथिमा सेथिदे जिसे लांदासा बुसुमान नंलायहा सिगिदाव बाइया दाव माबा जाखा बो त्रिस बसरलाय एम एल ए जां मिनिस्टार जे जाखा बसा सिएम जाखा बुसिम मादायखौ गोरां सिमाइया दहा जिन नंलायहा मादायखौ गोरां थाम रुट ने रुट थिबा हामिया उलि ससे डेभलपमेन्ट अरै जा आं दे एबो नन्दिता गरलसाखे नों दहा दे डेभलपमेन्ट निख्लायो दा जिनि दिमासावमोन नांदोबो ठीक है खरी गप्स आप बताइए। मैं फिर से मुद्दे में आता हूँ। जो हमारा जो ये प्रोग्राम है डीमा हसाव से दिसपुर तक, ठीक है, तो ये डीमा हसाव से दिसपुर तक में नया जो चेहरा जो वहाँ पे भेजा जाएगा, आखिर आपने बताया कि उनके पास क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, आपने बताया, तो आप बताइए कि लास्ट 5 ईयर्स भी आप ही का बीजेपी का ही एमएलए रह चुके हैं, तो फिर लास्ट 5 ईयर्स का बीजेपी का एमएलए का प्रोग्रेस रिपोर्ट बताइए। वो खाली आंगली दांग जैसे कि मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमारा यहाँ में डीमा हसाव में 3 इलेक्शन होता है, एक एमएससी और एक एमपी और ये है एमएलए इलेक्शन। तो आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक हम बात करेंगे ये एमएलए को लेकर। तो लास्ट एमएलए का परफॉर्मेंस क्या था? वो कह हम यहाँ देखते मैं नहीं हम ला दूँ चला बू डांग लाता बू देख देखा सी गो जगह जगह बू नो मबारी का पाइखो बुरी का मबारी का कृपया देवरी लाता बू खाली दुआ लाबा निशब जंग बू ब्लैक आंग दे ब्लैक बू सारे आंग बहुत बलैबा नहीं दुआ बहे ठीक है बहुत बहुत डांग हम आते हैं अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सबसे पहले आपको हमारे शो में स्वागत करते हैं और आप बताएं कि आप तो कालाचंद के लोकल हैं, कालाचंद के मेजर प्रॉब्लम क्या है? पहले तो मैं आपको एनडीएच और उसको दर्शकों को सलाम है, नमस्ते है, जुटाई है। तो मैं सोचता हूँ कि हमारा यहाँ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कालाचंद में मैं जॉब से देखा हूँ पहले से, तो इसमें प्रॉब्लम से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। आप देखिए यहाँ का मेन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो देखिए इधर तो पानी का इतना तकलीफ है। मतलब जैसे कि मतलब हमारा इंडियन जो स्टोरी है उसमें लिखा हुआ है, मतलब औरत लोग 60% उसको पानी भूखने में उसको लाभ जाता है। हाँ, उससे भी ज़्यादा है हमारा यहाँ पानी नहीं। तो कोई कितना दिन पहले मैं हम लोग का जो एमएससी सर बोलेगा ना, सरपंच सर, उसको कहा था, ये हमारा लोग भी बहुत था, तो उसमें बोला पानी तो मैं ज़रूर लाऊंगा, ठीक है, पानी लेने से बहुत अच्छा है, अच्छा बात है, मैं तो उसको लिए बहुत चाह हूँ। तो बोला पानी लाएगा, तो मैंने कहा मैं तो विश्वास नहीं कर रहा हूँ। क्यों विश्वास करूँ? आज से तो पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ
हर बार तो इसे बोलते ही जाता है कि वो करेगा ये करेगा, लेकिन क्या क्या है आज तक तो देखा नहीं है। रियल में कुछ करने वाला कोई किसी को नहीं देखा। फिर भी अभी जो भी बोला, मतलब हम लोग इधर में जो डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट करेगा, अभी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उसमें से खास करके मतलब आदमी को जीते रहने के लिए, जीने के लिए उसमें तो कुछ दिखाई नहीं जाता। को आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए उसको, किसका मतलब जॉब चाहिए, वो तो हमारे यहाँ में तो किसको नहीं देखा जाता है। मैं रिटायर हो चुका हूँ, अभी रिटायर हो चुका हूँ, फिर भी मेरे जगह में तो और किसी तो होना चाहिए ना, ऐसा भी तो नहीं है। अभी किसी को भी खुश मतलब जीने का लायक नहीं है, ऐसा ऐसा तरीका आ गया। और बीजेपी आया तो आप देखिए हर चीज़ में दाम ही दाम, मतलब हर चीज़ में देखा 100+ हो जा रहा है। जैसे कि मतलब नमक का दाम भी कल पूछो तो 50 रुपया हो जाएगा, आप देखिए। और तेल का दाम तो आप जानते ही है, सब आदमी को जानते ही, देखिए तेल का दाम, हर आदमी गाड़ी चलाने पड़ता है। वो क्या पैसा मुफ्त में मिलता है? पूछा तो मुफ्त में नहीं मिलता ना, वो तकलीफ करने के बारे में मिलता है। तो उसको मतलब अपना हिसाब से तो इस्तेमाल करना चाहिए, इस मतलब हिसाब नहीं रहता है उसमें, जो भी था वो भी खत्म हो जाता है। अच्छा आप बताइए कि लास्ट 5 सालों में MLA का एक्टिविटीज आपने क्या देखा है? हाँ वो तो जरूर कहूँगा मैं, वो लास्ट जो MLA था वो तो मैं जरूर सपोर्ट किया करता था उस टाइम में, क्योंकि वो मैं पहले से भी जान पहचान था उससे, वो बीबी हजार के साथ में है, मैं पहले से भी जान पहचान था, मतलब वो पॉलिटिक्स से आने से पहले से ही। तो वो बीच में क्या हुआ, मैं कितना बार उसको समय इतना मदद में भी गया है, किसी जगह पर भी गया है, लेकिन आज में वो क्या है, हम तो देखा है जो इलेक्शन जो खत्म हो गया, हम लोग उसको जिता दिया, उसके ऊपर में क्या किया नहीं किया तो क्या, उसको नाम पता ही मालूम नहीं, वो तो गायब हो गया, बेनिश। फॉर एक MLA का ड्यूटी क्या होता है? ड्यूटी हो गया, MLA का ड्यूटी क्या होता है, हम लोग का जो इधर में हम जो सब इधर में मतलब पब्लिक है, डिमासों का जितना तकलीफ है, मतलब क्या होता है जगह में इतना तकलीफ होता है, काम में क्या होता है, उसको हम लोग को यो में आपको असेंबली में उसको रिप्रेजेंट करना, हम लोग को तकलीफ उसको बताना है, उसको हम लोग सरकार को बताना है, हम लोग का सरकार की तरफ से उसको हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव है, तो हम लोग को बताया भी नहीं बताया, आज तो खबर ही नहीं है, आज में असेंबली में एक बार भी उसको देखा नहीं है कि खुद हम लोग दिमाशाओं के लिए एक टू बार भी कहा है, अभी तक नहीं देखा, सुना भी नहीं है। और किसी से सुना तो अभी भी कह सकता हूँ अमुक दिन में वो ऐसे दिमाशाओं के बारे में वो उधर में बात की है, ये कोई भी नहीं बोल सकता। सर डीमा हासाओ के लिए किस तरह का लीडर दिसपुर तक जाना चाहिए? ये भी सही है, वो तो मतलब ऐसा है, हम लोग को जो दुख तकलीफ यहाँ का जो सुविधा और सुविधा जो है उसको मतलब बता सके, हम लोग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इधर में, हम लोग के लिए मतलब जो डिमांड है, हम लोग को जो चाहत है उसको मतलब अच्छा से उधर में बता सके, और उससे मतलब हम लोग अदाई कराने सके, ऐसा हम लोग को लोग और जिसे को एडुकेटेड होना चाहिए, उस बाद में थोड़ा हिम्मत भी होना चाहिए कुछ करने के लिए, तो हिम्मत भी चाहिए, मेरे ख्याल से ऐसा लोग चाहिए जैसे कि हम लोग हिम्मत वाला और जानने वाला कुछ मतलब उसको जैसे कि उसको एडुकेटेड वाला चाहिए, क्यों मतलब पॉलिटिकल में भी उसको मतलब अच्छा एक्सपीरियंस हो, ऐसा लोग चाहिए हम लोग। ठीक है ठीक है, हम यहाँ के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से हम पूछते हैं कि आप बताए कि कालाचान एक बहुत एक इम्पोर्टेंट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, MSC कॉन्स्टिट्यूएंसी हिसाब में कालाचान जो है बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ में काफ़ी बार जो है यहाँ का लीडर जो है CM भी बन चुके हैं, इवन आप सभी को पता होगा मोहित होजाई जैसा लीडर कालाचान कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुना गया था और CM भी बने थे, और जुएल गर्लोसा जैसा लीडर इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुना गया था, तो ऐसा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है डीमा हासाओ में। तो आज हम बात करेंगे डीमा हासाओ में, यानी कि कालाचान से शुरू होकर ही डीमा हासाओ तक हम बात करेंगे। इवन कालाचान का जो मेजर प्रॉब्लम काफ़ी लोगों ने बताया, तो एज ए स्टूडेंट लीडर आप बताइए कि कालाचान में और क्या होना चाहिए और क्या उन्नति होना चाहिए? ठीक है, मैं वैसे तो मैं कालाचान का जो केजुरबन बस्ती है वहीं का रहने वाला हूँ, फिलहाल तो मैं माइबांग आजसू ब्रांच का प्रेसिडेंट हूँ। तो जहाँ तक मुझे दिखाई दिया है, कालाचान हाई स्कूल से ही ECS मेरा पास आउट हुआ है, तो जिस टाइम पे मैंने पास आउट किया था, स्टडी किया था, अभी जिस टाइम मैंने पढ़ाई किया था उस स्कूल में, उसी स्कूल का जो कंडीशंस है, स्टडी जो स्टडी मेथड्स है, तो पहले जैसा नहीं रहा, मुझे इस तरह का दिखाई दे रहा है। वो उसकी कारण किसके वजह है, टीचर्स का है या गवर्नमेंट्स या एजुकेशन EM हो या कोई भी हो, उसका नेग्लिजेंसी है वो मुझे नहीं पता, लेकिन
एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ तक हम लोग ने जो भी वर्कशॉप या एक्टिविटीज़ किया है और आगे भी करते जाएंगे, अभी हम लोग करते कर भी रहा है, तो खालसन हाई स्कूल में एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा वो है स्कूल, क्योंकि पहले जनारिंग जो हाई स्कूल जनारिंग एकेडमी हाई स्कूल है वो भी पहले से वीक हो गया है, वो प्राइवेट सेक्टर में है लेकिन। और कम्युनिकेशन के लिए रोड सबको पता है, अगर कलासन में अबाउट 18 से ज़्यादा शायद विलेज है कलासन कॉन्स्टिट्यूशन में। आप बताइए, तो मैं डायरेक्टली आपको पूछता हूँ कि आज का जो कलाचंद जो है, आज से 10 साल पहले कलाचंद और आज का कलाचंद में डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है आपको? 10 साल का कलाचंद अभी का कलाचंद में, हाँ थोड़ा बहुत तो फ़र्क आया है, लेकिन फ़र्क में उतना नहीं आया कि जितना होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए कहो रोड, एजुकेशन के लिए कहो स्कूल, और जो पहले कहा है कि जीने के लिए, मैं केजुरबन से ही बिलोंग करता हूँ कि वहाँ पे हर घर में रिंग वेल है, लेकिन किसी में भी इतना अवेलेबल वाटर नहीं है। जब विंटर सीजन हो जाता है वो सब सूख जाता है, तो वाटर के लिए बहुत ही क्राइसिस है, रात रात भर रुक रुक के उठाना पड़ता है। मैं खुद जाके रात में उठाया, कल रात तक भी उठाया, तो वाटर का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो आने जाने के लिए कम्युनिकेशन के लिए भी, यहाँ तक अभी स्टेशन है भरा हुआ, लेकिन वहाँ पे स्टेशन मास्टर नहीं है, टिकट काटने कोई भी नहीं है। अगर टीटी के लिए कहीं भी जाए, टिकट पैसेंजर यहाँ से कोई उठ के जाए तो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि टिकट बिना टिकट को कोई सवारी करेंगे तो टीटी पकड़ेंगे ही, पकड़ने के लिए है ही चेकिंग के लिए, तो वो भी प्रॉब्लम है। तो जितना होना चाहिए उतना है नहीं, लेकिन प्रोग्रेस हो रहा है, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो और भी प्रोग्रेस होना चाहिए, बहुत सारा बाकी है, और कहीं पेशेंट्स इमरजेंसी हो या कहीं पे आने जाने के लिए भी कम्युनिकेशन के लिए अभी एम्बुलेंस नहीं जा सकता, ऐसा भी रास्ता है, और किसी का घर टूटा फूटा हुआ है, क्योंकि जो सरकार से दिया जाता है रहने के लिए, जो 4 कैटेगरी का जो जिसका पास घर नहीं है वो भी हर किसी को मिला नहीं है, ऐसा भी है। और स्कूल जहाँ पे है स्टूडेंट बैठना चाहिए था बिना बेंच को, बकरी घुसा हुआ है, इस तरह का भी है। जैसे हम लोग जहाँ पे हम लोग भी जाते हैं विजिट करने के लिए, क्योंकि एजुकेशन पर्पज़ में हम लोग जाते हैं, तो बहुत सारा अभी जो मैंने कहा है कम्युनिकेशन के लिए रोड है, एजुकेशन के लिए स्कूल वगैरह, और वाटर क्राइसिस है, तो बहुत सारा ऐसा ही प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, हम आएंगे आपके पास फिर से। अभी देखिए कलाचंद में जो प्रॉब्लम्स जो बताया कि एजुकेशन को लेकर, तो एजुकेशन सिर्फ कलाचंद में नहीं, डीमा हसाओ के बहुत सारे जगह में एजुकेशन का प्रॉब्लम जो चल रहा है, लेकिन एक बात यह है कि कलाचंद जैसा एक जगह में जो माईबंग सब डिविजन का बिल्कुल नज़दीक में है, आज का दिन में और भी इसे डेवलप होना चाहिए था, लेकिन क्या कारण से यहाँ का जो डेवलपमेंट रुक गया ये हम जानेंगे यहाँ के कुछ लोग से। सबसे पहले आपको NDH में स्वागत करते हैं। आप बताइए कि कलाचंद का डेवलपमेंट जो स्पीड में होना चाहिए था वो इतना स्पीड में हो क्यों नहीं पाया? अच्छा, सबसे पहले NDH को मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। आज को जो ये प्रोग्राम रखा बहुत खुशी का बात है, ये डिबेट होना चाहिए, ये डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए। तो कलाचंद के स्पीड जो डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, ये सवाल है आप। तो इसके पहले मैं कहना चाहता हूँ, अभी जो फिलहाल ये इलेक्शन असेंबली का हो रहा है, तो मैं BJP का सपोर्ट करता हूँ, सपोर्टर हूँ, इसलिए नहीं मैं BJP का क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट में जो है ये नंदी ठाकुर लोसा जी ने, मैडम जी ने, वो हमारे एजुकेशन को बहुत अपग्रेड करा है, माईबंग कई जगह पर बहुत अपग्रेड किया है, तो हमारे ये कलासन में भी बोर्ड किया है, क्योंकि ये EM पुश से एक दिमाग सबको कवर करना है। तो इसमें से कलासन में जो हाई स्कूल में जो जाने पड़ता है स्टूडेंट, इसमें जाने के लिए बहुत ठोकलिक था पहले में, स्टूडेंट जाने के लिए, कई टीचर जाने के लिए, ये रास्ता वो ठीक कर गया। और उसके बाद यहाँ जो क्या ये प्राइवेट स्कूल है हिंदू मिशन का है, वो भी अभी बिल्डिंग बनने जा रहे हैं, तो इसको इतना प्रमोट किया है, तो हमारे ख्याल से ये BJP का सब तरफ से जो
बीजेपी के तरफ से कैंडिडेट जो सेलेक्ट किया वो बहुत बिल्कुल सही किया है। मैं बहुत टाइम काफी शॉर्ट है इसलिए आपको हम शॉर्ट में मैं आपको पूछता हूँ। आप बताए कि आप बीजेपी सपोर्टर्स हैं, तो आप बताए कि अभी का जो कैंडिडेट दिया गया है बीजेपी की तरफ से, उनको सपोर्ट करने का, उनको वोट देने का 5 रीजन बताइए आप शॉर्ट में। वही तो मैं, आप उनको क्यों वोट देंगे, उसका 5 रीजन। नहीं, इसका कैरेक्टर ठीक है, वो मैं बहुत स्टडी किया है, क्योंकि स्टडी करने के बाद मैं डिसीजन लिया है। सिर्फ बीजेपी का सपोर्टर है इसलिए मैं उसके सपोर्ट किया, ये बार नहीं, लेकिन बहुत मैं डिसीजन लेकर के ये उसका बैकग्राउंड देख करके मैं बहुत दिल से मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि इसका बैकग्राउंड मैं जो पहले बोला वही है। आपको लगता है कि पिछले एमएलए से और भी ज़्यादा काम कर पाएंगे? बिल्कुल ये वोट आगे बढ़ेगा, ये दिमाग वोट आगे बढ़ेगा। और ये मुद्दा ऐसे भी रहता है हमारे, ये कलासन का मुद्दा लोकल भी रहता है, क्योंकि हमारे इधर में अभी जो 2 साल हो गया शायद, ये MEC के इलेक्शन हुआ, तो इसमें से तो कितना साल के बाद में जो यहाँ जो डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है, ये तो गांव वाला देखता है, हमारे इधर में जितना जनता देखता है, यही तो रिजल्ट तो आ जाएगा ना। हाँ, इसलिए हमारे ख्याल से ये कलासन से पक्का 100% ये बीजेपी जीत हासिल करेगा। ठीक है, हम और भी बात करेंगे। अभी फिलहाल हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी की तरफ से है और यहाँ के कुछ कांग्रेस पार्टी के लोकल लीडर से। सबसे पहले आपको NDH की आज की इस शो में स्वागत करते हैं। आज हमारे शो, आप सभी को पता है कि डीमा हसाऊ से दिसपुर तक, तो इस बार की चुनाव में आपकी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेन मुद्दा क्या है, क्या किस हिसाब से आप लोग इलेक्शन की मैदान में उतरे हैं? सबसे पहले तो मैं NDH के दर्शकों को नमस्कार, मैं अपना परिचय दे दूं। मैं श्री खेबल खरीगप्सा, वैसे तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूं। तो इस बार जो इलेक्शन का जो मुद्दा है हमारे पास, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उसमें से जैसे कि सेंट्रल का मुद्दा अलग होगा, स्टेट का अलग होगा, यहाँ का मुद्दा कुछ अलग है। तो यहाँ का मुद्दा इस प्रकार है, वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे तकलीफें हैं। पिछले 2014 से जो जिस तरह से बसपा सरकार आया, बीजेपी सरकार आया, बहुत सारे लोगों को वायदा किया, बहुत सारे सपने दिखाए, अब तो कुछ तो हुआ नहीं। फिर वहाँ का अलग मुद्दा है, यहाँ का अलग। मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ का मुद्दा सबसे बड़ा तो बेरोजगार का है, रोजगार की बात है, उसी में ज़्यादा मुद्दा क्या है, अपने अस्तित्व तो का बात है। जैसे कि हमारे यहाँ 6 शेड्यूल एरिया है, यहाँ हमारे जितने भी जनजाति, जितने भी ट्राइबल्स, हमें ये 6 शेड्यूल के अंदर में प्रिजर्व करके हमें रखा, तो बीजेपी वालों ने उसे तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसका प्रमाण सब कुछ है, लिखित में है। इसके लिए पिछले 2-3 दिनों से, हफ्तों से इसके ऊपर डिबेट हो रहा है, इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, ये तो मुझे, मैं कहने वाला बात नहीं है, हर कोई भी ये गूगल करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हमारे 6 शेड्यूल क्या है, 11 शेड्यूल क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में वो सब क्या गिरता है, क्या सिस्टम है, सब कुछ मालूम है। इसलिए हम इस बार हम लोग बेरोजगार, महंगाई और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट का जो अस्तित्व, उसे रखने के लिए हम इस उसको हम लोग मुद्दा मानते हैं। इसलिए हम लोग आशा भी करते हैं आने वाले इलेक्शन में हम लोग जरूर हम लोग विजय होंगे, और हमारे जो लीडर, जो कैंडिडेट है निर्मल लंगथा सर जी, वो जितना बोलने में कम है उतना ज़्यादा काम कर सकता है, वो लिखित में उतना सकता है, उनका विजन बहुत सारा बहुत अच्छा है हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, उस हिसाब से हम लोग भरोसा है। जैसे कि हम लोग गाँव में भी जाते हैं तो हम लोग रिजल्ट मिलते हैं कि इस बार कांग्रेस सरकार आने वाली है, उस हिसाब से हम लोग लड़ेंगे। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आते हैं अभी, हम और हम पूछते हैं और भी यहाँ के महिलाओं से, आप हिंदी में बोलेंगे या फिर डिमासा में? डिमा, सबसे पहले आपको स्वागत करते हैं NDH सफाई मंडल, हम लोग और निशी दो हफ्ते की नेबा 1 तारीख MLA इलेक्शन जमा निशी बेडिया पा हो जाना जरूरी डिमा हसाऊ पुरम जिंग डिमा हसाऊ जिंग इले नाय एबा इस्लाम एबा डिमा हसाऊ दुआ बीजेपी गवर्नमेंट मां फाय एबा दुआ स्कांगा ए माइका बो बोगे देंग जिंग बोनिं खुशी दां फुमासे डिमा हसाऊ नि बिसिंगा मसान जि कैंडिडेट फर्स्ट मैजन बा जिंग बुखे दिरिमा बुखे जिंग आशा जादु जे डिमा हसाऊ तो दिसपुर तक बो थांदादा ओरा फाइट क्लाइमा जिनि डिमा हसाऊ नि क्लाइ हामबा हामबा प्रोजेक्ट लाबमा बो जिन्देने लामा फुनुमा जिंग मसान जिराव जे फुनुमा जिनि शक्ति के
जिंग मसान जरा इली सोची खुशी दांग बा जिंग जिंग बावला दो जे जिंग मसान जे कैंडिडेट माय बादे जिंग मसान जरा खोबाल हम बे जिमा सब हस जिमा हसो निकले ही उली बावला दो आंगला लाइलाइन या पे एमएलए के लारा मिट्स ना मिट्स मिट्स तो बुनी यावलाई लानु खान नुया बुनी यावलाई लानु खान नुला या बु बाइकोरिया बार का गिबिन गिबिन बोस किमरी नहीं क्या वडे बुके ला गिजिसी मिट्स ना स्टार्फ ना हो जाम स्लाउली ला स्टार्फ या लाइलाइन या पे एमएलए बुमु बीबे हक जा बिर बोद्रो हक जा डोहानी ला डोंडीटा कर लो जी कांग्रेस निकला मिट्स ना मिट्स बो निर्मल लांगटसा निश्चित डागलाए पार्टी के ना हिपोट रे माना कैंडिडेट नी बुनी डांग थाई के ना हिपोट रे मा सिंग डांग थाई के ना दादा बुद्री मा ओदे दुहा पार्टी आवे बा हम सिंग हम बि बुखे बाव दादा जिंग बुद्री मा करे मासि जाय जिंग दिरी दादा जिंग नंदिता गोरलो जिका जिंग दिसपुरा हाइक्लामबा जिने इले आशा दं जे बुगु हामबा खुशी दिमा हसावनिक ले खुशी दांग नांग बाव दादा जिंग आशा लादु जुथाय ओके ओके ठीक है। यहाँ के लोगों ने काफ़ी सारे बात बताया कि अभी हम यहाँ के लोगों से और भी हम पूछते हैं कि यहाँ के लोकल प्रॉब्लम्स के बारे में आज कालाचान के बारे में हम पूछेंगे आपको हिंदी और डिमासा जुठाई डिमासा जाना हिंदी जानसा डिमासा डिमासा ओके डिमासा से निंगला इबो कालाचान हापाई नि स्कांग थवा नि के जिनि एनडीए सा ग्रोजों भाई बन हम जमा कासम ओफरा लादु देचि कालाचान हाबाई हा स्कांग फरांग जादौ खाना जायादौ खा बेदेहे कालाचान डेवलप जादौ खाना जायादौ खा जिन नुबालाय सेत्सखला डेभलप सिबा जिन लायलाखला डेभलप मानिया रुट हामबा जांबो जाया जिन रुट खालासान बा सावखिनिं थांलाबा फैलाबासे बाख्ला नायख्लायि जिन थावलाय लांलाखा बु जिन खालासान फिं मुसाजिके बो हामदाव हिमाया आर दु लाइसि रासखाङा बिलि सुसि लाइसि रिंबा दुहा बोरिं दंबा बु गभमेन्ट फां लिरिं यारो गिरि प्राइभेट फां बुमा फा फुरि रि दादा जे सेरे सार्भिस दांदु बुसिसिनिं फुरि रि दादा गभमेन्टा फुरि रि दादा सिनिं बुसिसिन ब्लायलाबा जिन नुलाय सारौ लागौ मुसबो ब्लाइडाव या जिन नुलाय सारावनि गिदेन सिंला सिंला सार्भिसबो गिरि उदेबानि आर उदेगो जिं दांयाराव जियारावला जिनिगो फिस टु गिदेन नें माथेथा माथे ब्रि जाखा बान थिक जाया बान खले दादा दांबा जिबा हाखिया दुङार दंलायाराव बगो दां जिबा माया जिन बबुना नाला जिंला गो मनाव जिमा जिनि रोजगार गिरि बान खले दादा जिंला दला हेमसेन दुखु माइलाय ओके निंगसि राहा कालाचान हापाइहा निंगदुआसका स्कांग बेरेजादाव खा जादो एखे दफागिनाबा जिनि मेन इभजिनिन प्रग्राम जाबखा डिमा हासाव से दिसपुर तक दफागिनाबा एक तारिख एप्रिलनि इलेक्शन जामा एमएलए इलेक्शन बु इलेक्शन हा निसि बेरेयाबा हजाखे नांजावदु जेनेला फासल जेनेला जिंखे नायसमा नुसमा जिन जागा थांफ्लायमा फैफ्लायमा जिन जागा जिं बिलि दुखु जादु बखे जिंखे नायसमा उलायखे जिं नांजावदु लाइलाङाबा एमएलए खेला मिथिस ना मिथिस बुके फिनसिदे नुखा बुमुला मिथिस ना मिथिस मिथिदु नाजे बुमु बिबि हागजा बुजिन फर्स्ट टाइम आजिंग स्का बुलि यावलाइनि सिनुखा नुया आय आं लावलि ला मिथिया आरो इलि नालाय बोना बजाय बनि जिन नोलाय इमफांला जिंला मुसिबो माइया ओदेगु नोलाय इमफांला स्कुल मामां किजाखले दादा जुसिं रिखा जिन आं बु एमएलए जुसिं रे बाना सर एमएलए ने बु स्कुल किजा मामां जॉइन खलेखा जिनि बु मानिकेपुर एलपी स्कुल के किजा जॉइन खलेखा ओदे गो नोलायला आगासि आधार कार्ड सिलामानि थांबा हानिं आधार कार्ड सिलामानि थांनायाव नों खिसा हाजा हाबानग्लै दादा नोलाय बिसिङा हाबफैयाहि बुसिन गारि बुसि बेग फायफिनलाबा उदेजां जिन नोलायला इबुखे जुल बन रायजिदे जादावनायखा सिखाबो जिन नोलाय बेरा ना जिंबो खालासाननि नों जिन नोलाय बेरा नालाम सिबो जादावया गिबिनला जादावयाखौ ओके ठीक है। हम आएंगे तो उन्होंने एमएलए के जो योगदान जो था कालाचान का और डिमा हसाव डेवलपमेंट के बारे में बताया कि एक एलपी स्कूल का एक थोड़ा सा मदद किया है एलपी स्कूल को रिनोवेट किया है तो ये बताया है यहाँ के कुछ महिलाओं ने और हम ठीक है हमारे साथ यहाँ के और भी लोकल लोग हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया सबसे पहले आपको हमारे एनडीएस में स्वागत करते हैं आप बताइए इस बार का जो एमएलए इलेक्शन का मुद्दा क्या होने वाला इशू क्या है आपके पास। पहला मेरा तरफ से एनडीएस को नमस्कार। देखिए यहाँ मुद्दा तो सारा हम लोग का क्लास में डेवलपमेंट आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ एजुकेशन भी एडुकेटेड है और भी सब डेवलपमेंट को साथी है सब बीजेपी सपोर्टर है। यहाँ आप देखिए आप लोग का सामने में मजूरी हाउस भी बनाया और खिजरबुन में बड़ा कम्युनिटी हॉल डोमन सिंह खरगपसा नाम से बना गया है और बाइकों भी कांग्रेस का जमाना में दो ठो हुआ है अभी 17 कंप्लीट हो चुका है और मराठों भी बोध हो रहा है रास्ता भी बोध हो रहा है इसलिए मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ इसलिए मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ। अच्छा आप बताइए कि एक एमएलए का ड्यूटी क्या होता है। एमएलए का ड्यूटी
डिस्प्यूर में जाना है और यहाँ डेवलपमेंट करना है डेवलपमेंट लेना है, पब्लिक को देखना है। और इस बार जो आप जिनको चुनेंगे उनके ऊपर आपका क्या क्या आशा है? उनका आशा है हम लोग का पार्टी हाईकमांड उनको सेलेक्ट किया है, वो हाईली एडुकेटेड और बहुत स्मार्ट है, बहुत टैलेंट है। हम लोग का बीजेपी का टीम हाईकमांड सेलेक्ट किया है, हम लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे तो लास्ट टाइम जो एमएलए थे हमारे यहाँ के वो असम के 126 एमएलए में सबसे हाईली एजुकेटेड एमएलए थे, लेकिन काफ़ी लोगों का कहना है उनका परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल भी नहीं है, क्या कहना है इस बारे में आपको? वो थोड़ा सा उम्र हो गया, उनका हेल्थ का प्रॉब्लम है, उनका स्कीम भी बहुत हो रहा है यहाँ पे, खसमाईपुर बोलो पुराना डिहाजिंग बोलो, उनका रिंगवेल हो रहा है और सब दिमाग समय बांट रहा है। इतना तो कितना ज़्यादा है जानकारी नहीं, उनका स्कीम कितना हाई अमाउंट है कम है ये तो जानता नहीं, लेकिन क्लास में 3 साल तो हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया। ओके ठीक है, हमने बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूंसी विजिट किया है और काफ़ी लोगों से हमने पूछा है, तो मैक्सिमम लोगों का कहना है कि जो पिछले एमएलए जो रह चुके हैं उनका कुछ भी काम दिखाई नहीं दिया, लेकिन कालासन में आने के बाद एक चीज़ हमें पता चला है कि ऐसा लगता है कि कालासन में एमएलए स्कीम का काफ़ी काम किया है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अभी हम और भी यहाँ के लोग हैं उनसे भी हम फाइनली जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के अंत में आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं इस बार के एमएलए इलेक्शन के बारे में। पहले तो एनडीएस को धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, तो मैं इस बार इलेक्शन में मेन मुद्दा दिमा हासो का जितने भी जनता है उनको अभी देखने में मिल रहा है दुख तकलीफ, लेकिन अभी का जो फिलहाल जो एमएलए है वो देखने में मिल रहा है, कोई स्कीम तो दिखाई नहीं दिया गांव गांव में, और उसका मैं खलाचंद में देखा मैंने, आज मैं भी यहाँ पे फ्राई करके गया था, एक जमाने में मैं भी फ्राई किया था यहाँ पे, तो उस टाइम जो टीचर था जो स्कूल था वैसे नहीं है अभी, अभी टीचर रहने का घर नहीं है फिलहाल, और उसके बाद टीचर भी बहुत छोटे से यहाँ पे, और स्टूडेंट धीरे धीरे यहाँ से शिफ्ट हो रहा है खलासन से, वो चीज़ देखने मिला है मैं यहाँ पे। और डेवलपमेंट के बारे में वो लोग बोल रहा है, डेवलपमेंट तो बता रहे हैं इन लोग के गाँव गाँव में रास्ता दिया, बैकवर्ड दिया, जो भी दिया है मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेन मुद्दा मैं देखने मिल रहा हूँ यहाँ पे एमएलए का स्कीम हो या सीएम का कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे नदी का पत्थर, एक बात तो नदी का इलीगल काम कर रहा है, नदी का पत्थर जितना भी है वो यहाँ से सप्लाई हो रहा है गांव वालों को, फुद्दू बना के क्या क्या बना के, अभी नहाने के लिए नदी में पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, वो सबसे मेन मुद्दा कालासन का अंदर दिखाई दिया है मेरे को प्रॉब्लम, उसी को उन लोग बोलते हैं क्या यहाँ का ये यहाँ का डेवलपमेंट, लेकिन हम लोग को तो डेवलपमेंट तो दिखाई नहीं दे रहा है, आज नदी का पानी सूख गया कल पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, और गांव वालों को अभी उन लोग कैसे धोखा दे रहा है उसके बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक नंबर उन लोग गाँव वालों को धोखा दे रहा है कि कुछ भी कोई भी काम हो ऐसा होगा वैसा होगा जो भी होगा अमुक तमुक बोल के लोग धोखा दे रहा है, वो चीज़ देखने मिला है मेरे को यहाँ पे। अच्छा ये चीज़ आपने जो बताया नदी का पत्थर उठा के बोलो को उसे बेच रहा है, तो ये कब से चल रहा है? मेरे को तो दिखने में आया है 2-3 साल से चल रहा है ये, लेकिन गांव वाला कोई बता नहीं रहा कि ये चीज़ बंद होना चाहिए, लेकिन कुछ बंदा लोग बोला था, लेकिन वो चीज़ इलीगल होती गया, कोई किसी ने नहीं रुका उस चीज़ को, और बीजेपी का लीडर लोग भी नहीं रुका इस चीज़ को, और यहाँ से फिर तो एक रास्ता बना हुआ है, वो रास्ता ना बीजेपी ने बनाया ना कांग्रेस ने बनाया, यहाँ पे जब खेसर मिशन बनाया था उस टाइम बनाया हुआ रास्ता को आज के डेट में पत्थर बुक के खराब कर चुका है वो रास्ता को। ठीक है, तो यहाँ पे और एक चीज़ हमें जानकारी मिला है कि यहाँ में कालाचान में जो मेजर जो प्रॉब्लम है वो है पानी का, पीने का पानी के लिए काफ़ी प्रॉब्लम, और इस कालाचान के बीचों बीच एक नदी बहता है जो नदी का नाम है माहूर नदी, और इस नदी में जैसे उनका कहना है कि पत्थर उठाने के कारण जो है यहाँ का पानी क्राइसिस हुआ है ऐसा, तो अभी देखना होगा आने वाले दिन में ये पानी का क्राइसिस ये पत्थर से ही हुआ या फिर क्या रीज़न से यहाँ का पानी का क्राइसिस हुआ, ये सोचने का और देखने का विषय है। और अंत में हम यहाँ के स्टूडेंट लीडर्स हम जानने की कोशिश करें कि आप और फाइनली क्या कहना चाहते हैं, शॉर्ट में कहिए आप। यहां थवा आं
एस ए स्टूडेंट लीडर पब्लिक हिसाब जान क्रीप राज खासीमा नाजाव क्रीप बद्री दाथ बद्रीलै ओल बहा सर बिकासी बद्री मावदी जार बाउदारा विचार खाई सर डेवलपमेंट खाई दौफुना सर सिक्यूरीटी दौफुना जिनके बाउदारि निनी बोथेम खेमती बंगी नी सौसी बोध जो सौसी एम एल ए रायलाफ्रे उदेबानी जार बहुत विचार खाई सूजु मगंग जान लिंगा गिबे दाखाई जाओ रंग रिबा जान बहुत दाब्राई जाओ जार बुथ के रंग दाब्राइ नी जी एम एल ए एम एल ए हाउस की निचवा एम एल एन पवर नाजी एर बनोच एम एल एन पवर बाई बंगी चिकाबो गिबी हा एर सिक्सिडल दंबानी बिली फ्रेंस इरे अब्ली दंबाउ गिरी इरा सी एम एमजी अटोनमस काउंसिल दंबानी चिकाबो जी इरानी दुखु हाजी के दिसपुर हा एसेंब्ली हा और खानसुमा सोमा जी दुखु सीमा और जी इले नांगू बुनी फान इले नांगू सीमा बुनसे दायथ और बुखे गारे बो राज्य सभा इलेक्टेड बुसेरी इंडाइरेक्टली जी पब्लिक डायरेक्ट रिफिया एम एल ए सेरीमा उदेबानी क्रीब राज्य मलाई जो दब मलाई दबा दाफाई मलाई ग्राउ चिकानी दोसन दारी जार बाउदा विचार खाई सर के हमदौना इवनी डेवलप खाई दौना इवनी नाई दौना जी दुखु हाजी जाए माइदौना और फ्यूचार ने हाब इम सिक्यूरिटी दंग रिंग ग्रे बलैया खुरान दुआ रोमानी खाई खानसुला उदेबानी राज्य क्रेब निनी जी जिंग बुआबा फागिना बसा दिसाइलाफ्रे उदेबानी हमसी खाई दान राइट पार्ट आई इवनी हमदौनांदौ लैके केंडिडेट के दोलै पार्टी ने ग्राउनिया जे सर केंडिडेट हमजाउद इवनी बुखे दो पार्टी लेख्रेबो इबुखे दो इबुखे दोस्लामा चिकाबो हमसी डेमोक्रेटिक हादे सेर इबुखे दो दोबा उदेबान आर आं माइस खानसिमा नाजो जिं नुबालै चिकाला इबु हाफाया आं माइस पार्टी नि सिबुं चिकानिं माइस पार्टी नि सिबुं चिकानिं माइसिन पार्टिया थांया माइस पार्टी माइस उलि निया बुसिल फाइलामा इलेक्शन लख्रेब फाइबा डेमोक्रेटिक सिबुसिन दारा दं ओबान क्रेब माइस पार्टी चिकाबो पार्टी थांलाय ओरा सेर ने जादाव जायादाव गिबि मसल बखै नायदादा ओरिसि खनाबो माइमा उदेबान जिं दुहा नुबालै चिकाला माइस पार्टिया थांगानि माइसिया माइस थाङि लंबा थाङिया माइस पार्टी माइस थाङि उलिसे उदेबान जिंला राज्य रावसे राज्य राव क्रेव थांमा नांदु थांदादा ब्लेबा जाराव जे साइकोडार सेबके दोलाय मान खान खनार जुथाय ओके ओके बहुत ही अच्छा बात कहा है कि डेमोक्रेसी में जो हर पार्टी को हर एक पार्टी का जो बातें जो है वो सुनना चाहिए विचार करना चाहिए तभी जाकर प्रॉपर तरीके से आप लोग को वोट दे पाएंगे इसीलिए सबका जो व्यूज़ जो है वो लेना आपको ज़रूर चाहिए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अपील है ये आने वाले इलेक्शन में हर किसी का जो व्यूज़ जो है स्पीच जो है आप लोग सुनिए और अंत में फाइनली आपका खुद का डिसीजन लीजिए किसी का दबाव में आके वोट ना डाले ये यहाँ के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से का अपील है और हमारी तरफ से यही अपील रहेगा कि आने वाले इलेक्शन में आप लोग खुद का दिमाग से सोच के दिल से सोच के आप लोग आने वाले दिन के बारे में सोच के वोट दीजिए किसी का दबाव में आके वोट ना दीजिए और अंत में यहाँ के महिला जो कुछ कहना चाहते हैं आप क्या कहना चाहते हैं हम जो पहले जो किया था उसमें थोड़ा प्रॉब्लम लगा था उनको जो पानी का लिए प्रॉब्लम था और जो हर चीज़ का लिए प्रॉब्लम था पानी तो प्रॉब्लम तो कब से हो रहा था ना पहले जो गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट था उसी समय से भी प्रॉब्लम था अभी भी प्रॉब्लम तो है प्रॉब्लम नहीं हुई बात तो नहीं है फिर भी अभी प्रॉब्लम को थोड़ा थोड़ा मैंने कई गाँव में दो गाँव तीन गाँव में अभी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रहा है ना अभी जो प्रॉब्लम अभी हम लोग का कलचन में जो था वो प्रॉब्लम अभी सोलोचन में आने के लिए कोशिश में अभी कर रहे जो हम लोग का प्रॉब्लम जब तक हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे तो हम लोग डिमांड भी करते हैं इसलिए तो हम लोग भेजना मांगता हूँ तो हम लोग का महिलाओं से जो ऊपर में जो आशा मान आज हम लोग का डिमा हासाओ से आसाम डिस्प्यूट और पहुँचते सर हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते यही सोच का तो हम लोग का डिमा हासाओ का अंडर में हम लोग का महिलाओं को हम लोग MLA बनाना हम लोग चाहते हो हम लोग जो महिला के लिए प्रॉब्लम जो पहले में था हम लोग का जो ये था बीजेपी गवर्नमेंट जो इतना खराब नहीं है हम लोग का सोलूशन में किस क्या किया सोलूशन लेके आया था हम लोग महिलाओं के लिए चावल बोलिए जो खाद का चावल जो पहले में जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उसी समय 20 रुपये से हम लोग खपटिप से हम लोग को चावल लेना पड़ा था अभी वो पैसा भी 1 रुपये भी नहीं डालने नहीं लगते इसलिए तो हम फ्री में हम लोग चावल भी दे रहे हैं इसलिए वो बोलना चाहता था हमको फ्री में चावल मिल रहा है मिल रहा है अभी तक भी ठीक है हम आएंगे अभी अंत में यहाँ से भी कुछ लोग इस बारे में कहना चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं उन्होंने कहा है कि इस बार जो बीजेपी सरकार ने फ्री में चावल दिया है इसीलिए और महिला की समस्या को समाधान के लिए वो लोग महिलाओं को चुनकर भेजना चाहते हैं इस बारे में क्या राय है आपका रेखा मायरंग बोथाम जारी बासेतलाबा बुला अब जादे तो थोथाम जारी बासका बो दोहाबुसि रिला बासका मिसाइ जरोंनि बो मायरंग रिबा सेतलाबा याखनाला बुसि दुहा सेख्लाय लाबादा बुसिन बुमाबा बुथ ओंख्लाय दासे दु इलेक्शन लायखानि उलावलि नि माइरं दामला सिखालाय जालांला मासिदाना माइरं दाम खम जाबा जांला बेदे गिबिनला रेशन कार्ड लाख्रेब सुलियेराव माइथार दो माइथारिया दा माइरं दाम खम जाला सुलियेराव लाख्रेब रेशन कार्ड दंमा नांदो रेशन कार्ड माइथारमा नांदो बो हावसिगिनि माइबा जां जान्स बुं माइबा जां थथाम जां थगिन जां माइबा जांला जादो यादा ख्रेब जिं बिलि सुलियेराव बांदो दिमा हासावखा ख्रेब खाद रिथार सियाम यम से दो खादन दो सियाम यम खादन मा नांया दाना बोला आर जिं दुहान गभमेन्ट
जिंग जिंग डिमा हसाव जिंग के विश्लेषक सी दुखक लाइका जिसका एन आर सी चिका जिंसकांग बुजू सौ मासाव फा सौरा जिंग इराहा डिमा हसावन दंबा जा यखना एन आर सी बैगोखा एन आर सी बैगोबा दे जिंग गुवाहाटीयाबो थांमानांबा इयार एन आर सी स्लामान फायदा सिलचाराबो थांमानांखा उलिसु सि जिं दुखु जालायखा आरो गयावना फायबोखा आधार कार्ड स्लामान थांमानांबोखा आधार कार्ड बो सानसिजां जाया सानगिनजां जाया खालासानजां इबो माइबांहाथ' आपदावना एकस' थाखा नांदो एकस' थाखा जिंबो सानगिन सानदाम थांमानांदो जिं बिले खरस' जादो बिसे दारा जाजे जाजे दारा गिबिन गिबिन हायखखा जिंखे जिं बिसे दुखु जाखा ग दुहाजा गेसनि दाम जाबखा सिखाङादि बसे गेस दाम मागना रिबा गेस मागना रिबा रिबा थिदो दला गेस दाम लि जासा कंग्रेसनि टाइमा गेसनि दाम साराय तिनस' सारस' लि जां माइन्द दुहाबिलि जाखा एगार'स' पन्सास गौलि गोजा जाखा देसेलाना जेलायदखा थाव थाव दाम बिलि दुखा दुहा बु माइरं थथाम जां माइबा जांला थाव बुजांलाय जोंला मोसौफ्रबो जादो एदा थावानि जोंला थांफिनलादो गेसा जों थांलादो बिसोर जिनि सामब्रां हेरा बिलि जाखा थाथाय हेरा बिलि जाखा दाल हेरा बिलि जाखा जों मिलिस' सि दुखु जाखा दिमा हासावनि आरो गदहा जाहा दे पन्सायति राज जालांबोखा जिं दहा दे दांबा जिबा जिं ख्रेब जा हायावबाबो ख्रेब बयबोरा इबु इरियान सुबो अग माबाहा गोजाने रिजाबा हायावबा माइन्द' दांबा माइन्द' खख्लु दांदो दे दा बुगाव पन्सायत जाखालाय जिं अराहा दांबा माइनांख' जिन नाजे जिं एरा जिं बिदि जिं प्रब्लेम सल्भ जादोबा नादे डेभलप जादोबा जिं दे बुखेदे डेभलप जाबा सिया डेभलप जाजदो या जिं देउलि जों दे ओके ओके मारे सर आप पहुंचे हैं नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल के ईएम श्री सैमुअल चांगसान जी सडनली हमारे पास यहाँ पे आप पहुंचे हैं तो हम सबसे पहले आपको हमारे शो में स्वागत करते हैं और बताइए कि आने वाला दिन चुनाव के लिए तैयारी कैसे चल रहा है नमस्कार आज मैं ये कालाचंद कॉन्सेंसी में कालाचंद बाजार में आप लोग ये शो हुआ बहुत अच्छा है डिस्कशन हो रहा है सारे अलग अलग पार्टी और स्टूडेंट लीडर इसलिए सब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी तो अपना तरफ से हम लोग तो चल रहा है जो एमएलए इलेक्शन के लिए एमएलए के चुनाव ये सिक्स शेड्यूल ऑटोनोमस काउंसिल एरिया दिमा हसाओ के लिए बहुत ज़रूरी है इम्पोर्टेंट है वाई क्योंकि हम लोग का आवाज़ हम लोग का सुख दुख गुवाहाटी दिसपुर में पहुँचाना है बट इम्प्लीमेंट करता है हम लोग का ऑटोनोमस काउंसिल तो इसके साथ में इसलिए बहुत जुड़ा है एक तरफ में हम लोग तो सेंट्रल में हम लोग का पार्टी का रूलिंग है चार साल और बाकी है और एक तरफ यहाँ में तीन साल काउंसिल बाकी है बीजेपी का काउंसिल रूल एंटी डिफेक्शन लॉ जारी है तो नो क्वेश्चन ऑफ हम लोग का काउंसिल चेंजिंग सीएम हर एक साल वो तो भाजपा ने बंद कर दिया 2018 में पार्टी सिस्टम करके और अनुरोध करता है दिमाहासाओ के लोग अपना सोच विचार अपना जो बुद्धि है सब अच्छा खराब डेवलपमेंट के देख के ओवरऑल देख के हम लोग अपना वोट मतदान दिए ठीक है मित्र चंदन सबसे पहले आप बताइए कि इस बार का जो इलेक्शन होने जा रहा है तो हमें डिमा हसाओ में देख रहे नॉट ओनली डिमा हसाओ एंटायर असम में हमें अलग ही नज़ारा दिखाई दे रहा है इस बार का इलेक्शन बहुत ही यूनिक होने जा रहा है तो आप बताइए कि डिमा हसाओ में स्पेशली इस इलेक्शन में मुद्दा क्या है आपका मुद्दा क्या इशू क्या है ज़रूरी बहुत बहुत एमएलए इलेक्शन में क्या होता है ये हम लोग जो दिमा हसाओ में स्पेशली भाजपा पार्टी हम लोग एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस बोलेंगे क्योंकि अभी जो 2019 में जो हम लोग को जो मेजॉरिटी 19 सीट जो मिला है उसके बाद भी बाकी सब लेके ऑलमोस्ट दो मेंबर छोड़ के बाकी सब भाजपा मेंबर है काउंसिल से सब इम्प्लीमेंट होता है सारा मोटा मोटी एमएलए साहब हम लोग के एमएलए जो भी होंगे एमएलए उसका आवाज़ पहुंचाएंगे बट ऑल फंड इज कमिंग फ्रॉम द टू द काउंसिल तो काउंसिल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी होता है और काउंसिल का जो जो पब्लिक जो के साथ हम लोग इंटरफेस है काउंसिल जब स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट में बात पहुंचाने की हम लोग का जो इश्यूज़ है बर्निंग इश्यूज़ है तो सब पहुंचाने मजबूत करने के लिए इसलिए हम लोग पब्लिक को रिक्वेस्ट करते हैं इस बार भाजपा ही को जिताइए उसके साथ साथ इश्यूज़ कनेक्टेड टू जो इश्यूज़ जो रेस हुआ है वन ऑफ द मेन इशू इज़ इन एजुकेशन सेक्टर एजुकेशन सेक्टर भी लेके अनएम्प्लॉयमेंट भी लेके दीज आर ऑल मेजर इश्यूज इफ यू अलाउ मी टाइम आप पूछे तो हम एलेबरेट करेंगे आपने कहा है कि इस बार का इशू जो है एजुकेशन को लेकर ठीक है हमने कहीं बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी विजिट किया इवन हमने आपका भी डिगेर कॉन्स्टिट्यूएंसी भी विजिट किया है और उसमें हमने देखा है कि उसमें मेजर प्रॉब्लम जो है वो एजुकेशन को लेके ही है नॉट ओनली डिगेर इन एवरी पार्ट ऑफ दिमा हसाओ तो एजुकेशन का ही मेजर प्रॉब्लम है लेकिन आप एक बात बताइए कि आप सिर्फ अभी का भाजपा गवर्नमेंट पर ही आप ईएम नहीं इससे पहले आप कांग्रेस गवर्नमेंट में भी ईएम रह चुके हैं लेकिन आप ये बात बताइए कि इतना साल 1952 में काउंसिल मिला है फिर भी आज तक ये एजुकेशन सेक्टर का इतना सारा प्रॉब्लम क्यों है देखिए मैं ईएम बना है 2012-13 से कांग्रेस में हम भी था चार पाँच साल ईएम पर एक तो है कि हम लोग को स्टेट का लेवल से
जितना सपोर्ट आता है नहीं होता है। इवन दो ऑटोनमस शेड्यूल है, डायरेक्ट फंडिंग नहीं है, तो उसके मुताबिक जो पहले जो सरकार आया था सिंस 1952 से सिल एंड देन 2012 तक, मैं उसके लिए ज़्यादा जवाब नहीं बोलेंगे, आपका शो तो वो भी बना। उसके पहले कौन सरकार बैठा था, कौन गवर्नमेंट, कौन पार्टी बैठा था, आप सब पब्लिक मालूम है। अभी देखिए इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, हम जरूर हम बोलते हैं, क्योंकि जो अब टीचर अपॉइंटमेंट 20 साल पहले, 25 साल, 30 साल पहले जो देने वाला अनक्वालिफाइड है, मैट्रिक भी पास नहीं है, अनएजुकेटेड है, 2-3 साल बाकी है, तो टेट सिस्टम जो आया, टेट के बाद तो हम लोग का सिस्टम प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, व्हेन ऑल टेट टीचर्स लेपी स्कूल जाएंगे तब हम लोग का क्वालिटेटिव है। पर फिर भी ये बीजेपी सरकार ने फॉर एग्जांपल मायबांग एरिया में ट्रांजिशन फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश मीडियम ये शुरू करा है ओवरऑल ना, एंड हायर एजुकेशन क्वालिटेटिवली देखने से भी बहुत जगह में इम्प्रूव हुआ है। दैट इज़ वाई इंजीनियरिंग बोलो, मैट्रिक का परफॉर्मेंस लेके, एचएस हायर सेकेंडरी का परफॉर्मेंस लेके, ग्रेजुएशन में भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस, मेडिकल एंट्रेंस, सिर्फ ACS APS का बात नहीं है, सारी बैंकिंग कॉम्पिटिशन देखने से दिमा हासाओ थोड़ा लॉपसाइडेड होता रहा, थोड़ा हाफलोंग एरिया हो, माहौरी एरिया हो, तो स्पेशली हम लोग का दिमासा कचारी मेजोरिटी एरिया में बहुत बढ़ गया हुआ है एजुकेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आर स्टूडेंट बोलता है। बट फिर भी द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्राइमरी एजुकेशन विल टेक सम टाइम, उसमें से ट्रांसपेरेंसी फेयरनेस लेके भाजपा सरकार ओवरऑल हैज़ इम्प्रूव अलॉट आई फील। ठीक है, हम आते हैं आपके पास फिर से, लेकिन अंत में आपको एक सवाल पूछना है कि ये जो इलेक्शन का मुद्दा आपने बताया, तो अभी अगर सपोज सोच लीजिए कि आपका भाजपा का जीत हो गया, तो फिर आपका नेक्स्ट एजेंडा क्या रहेगा, जितने की बात क्या करेंगे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी करेंगे एजुकेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे होंगे, जो CM साहब भी अपना बात में बहुत रखा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम इवन स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स से लेके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विद APGCL जो लॉन्ग लोअर कपिली का प्रोजेक्ट का अग्रीमेंट 80% हम लोग रखा है, साथ ही साथ में हम लोग फॉर एग्जांपल बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क, ये एक हम लोग अच्छा इफेक्टिवली करने से ये एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, ये क्या आपका मैनिफेस्टो में है? मैनिफेस्टो तो ओवरऑल तो आ जाएंगे, बट हम लोग का काउंसिल मैनिफेस्टो में है, काउंसिल का वर्क इन प्रोग्रेस ही है। फॉर एग्जांपल बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क, आजकल हम लोग एजुकेशन एजुकेशन बोलते हैं, आप खुद सवाल कर दिए कितना अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट है, कैन अभी कांग्रेस आओ BJP आओ एक बार में 39,000 जो कांग्रेस वाला लिख के रखा है, एक बार कोई दे सकेंगे एम्प्लॉयमेंट? तो हाउ डू वी क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, वी हैव टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इवन इन द गाँव, टाउन में हम लोग पढ़ के मैट्रिक पास, BA पास कितने हज़ार लोग हो गए, तो व्हाट डू फॉर दिस वी हैव दिस बैम्बू पॉलिसी। बैम्बू पॉलिसी क्या है, सब सेंटर 10 जगह में होंगे, तो जो हम लोग तो हाथ गांव में भाई लोग भी जो एजुकेटेड हो, हाजिरा करता है, उन लोग दावली सब हम लोग पहाड़ी वालों चलाने मालूम है। सो व्हाट द बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क इन मंदरदिशा विल हैव 10 सब सेंटर्स, ऑल सब सेंटर्स विल प्रोवाइड विल हैव इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, बहुत सारे कंपनी है, आई डोंट वॉन्ट टू नेम them। ठीक है, हम आते हैं और भी हम पूछते हैं आपका सवाल, में फिर आएंगे आपके पास, सवाल करेंगे आपको। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो लास्ट टाइम कालाचांद कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो MSE की तरफ से जो खड़ा हुआ था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंडिडेट थे, तो ब्रिजेश बोडो जी सबसे पहले, अरिपम बोडो जी सबसे पहले आपको हमारे NDH में स्वागत करते हैं। आप बताइए कि इस बार का इलेक्शन, इस बार का जो चुनाव जो होने वाला है, कौन सा मुद्दा में आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सबसे पहले तो थैंक यू हमको इनवाइट करने के लिए। तो देखिए डेवलपमेंट का ऊपर पॉलिटिक्स तो आगे भी होता रहा है, अब भी होता है, फ्यूचर में भी होता रहेगा, लेकिन दिस टाइम इस साल का जो इलेक्शन है वो हम लोग के लिए बहुत डू और डाई का है, क्योंकि हम बताना चाहेंगे कि जब से ये BJP गवर्नमेंट आए हैं सेंटर में भी या स्टेट में भी, वो लोग हम लोग को सिस्टमेटिकली हम लोग 6 एरिया को वो लोग टारगेट करते जा रहे हैं। हाँ, आप देखिए पहले जब 2016 में जो असम में स्टेट गवर्नमेंट आया, अब BJP का जो गवर्नमेंट आया उसके बाद 2017 में तो स्टेट गवर्नमेंट एक ऑर्डर इशू किया, उसमें बोला कि ये जो हिल्स प्लानिंग बोर्ड है, हिल्स एरिया प्लानिंग बोर्ड, उसको इमीडिएटली एबोलिश करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है 2018 में, तो आपको मालूम है कि यहाँ का जो कार्बी आंगलोंग और दिमासो का जो जनता का जो एक्सप्रेशन है ऑटोनोमस स्टेट को लेकर अंडर आर्टिकल 244A, तो उसको स्क्रैप करने के लिए वो लोग असम गवर्नमेंट ने एक सेंटर में प्रपोजल भेजा, उसमें यह हमें क्लियरली लिखा है कि
जब विश्वजीत दैमारी जी ने जब असेंबली में राज्यसभा में जब क्वेश्चन उठाया कि ऑटोनोमस स्टेट आर्टिकल 244 को लेकर सेंटर का क्या राय विचार है, तो मैं उसमें जवाब आया मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स श्री किरण रिजिजू से कि उसको लेके असम गवर्नमेंट बहुत चिंतित में है, क्योंकि ये में लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ असम विच इज़ डायरेक्टली अफेक्टेड बाय दिस आर्टिकल 244A हैज़ बीन डिमांडिंग इट्स रिपील एंड इज नॉट इन फेवर ऑफ एनी फर्दर डिविजन ऑफ स्टेट। दैट मीन्स जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो लोग उनका एक इस आर्टिकल को ख़त्म करने के लिए एक प्रेस चला जा रहा है। उसके बाद फिर 2019 को जब 16 जुलाई को जब हम लोग का जो एमपी है 2019 जो एमपी है मिस्टर हरन सिंह बेजी, उसने जब क्वेश्चन उठाया असेंबली में, उसमें वो बोला गया कि आर्टिकल 244A ऑटोनोमस स्टेट को लेके क्या सेंटर का क्या राय विचार है। तब मैं उसमें फिर से रिप्लाई आया कि देर इज़ नो प्रोपोजल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन टू क्रिएट एनी ऑटोनोमस स्टेट अंडर आर्टिकल 244A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके बाद फिर आते हैं, आपको पता है कि जब 2019 को 25 सितंबर को काउंसिल से एक डीआरडी डिपार्टमेंट से एक कागज़ निकला, उसमें बोलता है कि ये जो जीपीडीपी है, हाँ, गांव पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसको अप्रूवल के लिए हम लोग का जो काउंसिल का जो चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर है उन्होंने अप्रूवल दे दिया। आप देखिए, तो स्टेप बाय स्टेप तो सिस्टमेटिकली जो ये बीजेपी गवर्नमेंट जो हम लोग का सिक्स सेल को टारगेट करते जा रहा है, स्पेशली हम लोग धीमासों को, तो उसको हम लोग सिक्स सेल का एक डिमोलिश करने के लिए उसके खिलाफ हम लोग का इस बार हम लोग का उसके अगेंस्ट में हम लोग का मेन एजेंडा है कांग्रेस का। और हम लोग का पार्टी की तरफ से हम लोग प्रेसिडेंट हम लोग कैंडिडेट श्री निर्मल नारसा जी ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम लोग का पास प्रेफरेंस रहेगा कि हम जैसे अगर हम लोग गवर्नमेंट फॉर्म करता है तो यहाँ का पब्लिक अगर हम लोग को जीता के अगर डिस्प्यूट बेचता है तो फर्स्ट स्टेप रहेगा कि ये ऑर्डर को एबोलिश करने के लिए। ठीक है, अभी हम फिर से चलते हैं सामुएल चांगसन जी के पास। मिस्टर चांगसन जी, आप बताइए कि अभी जो एक एलिगेशन हम कह सकते हैं कि ये जो है जो गांव पंचायत जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो बहुत सारे कंट्रोवर्सी चल रहे हैं, आखिर ये क्या है? बहुत सारे लोग कन्फ्यूज में है। वेरी ब्रीफली, 2012 कांग्रेस जब काउंसिल था, वहाँ में काउंसिल सेशन में वहाँ में एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ हायर या गवर्नर, आई डोंट नो, हम भी वहाँ में था, हम शामिल था, तो उसमें से वो सीएम ने, उस टाइम के सीएम ने काउंसिल सेशन में पास करा के रिकमेंडिंग फॉर जो विलेज काउंसिल है वो हिंदी में ग्राम पंचायत के लिए कांग्रेस 2012 में पास कराया और भेजा है, रिटन डॉक्यूमेंट है। फिर उसके साथ साथ 2009 फिर 2015 में कांग्रेस में ये प्रोसेस हुआ, तो ओनली इन 2019 में बीजेपी के काउंसिल ने हाउस में पास करा के वहाँ में दो कांग्रेस का सिटिंग एमएसी, ऑनरेबल एमएसी, दोनों भी हाथ नहीं उठा के, तो बीजेपी हैज़ द काउंसिल हैज़ पास्ड इन द ईसी एंड इन द काउंसिल सेशन उसको रिवोक करने के लिए, अभी तो पेंडिंग है। आज के दिन में जो भी बोलो, लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली ग्राम पंचायत या विलेज काउंसिल इज नॉट इन एफेक्ट in the sixth schedule areas, because sixth schedule amendment proposed 123rd amendment last time Rajnath Singh ji tha, wahan mein draft mein Meghalaya bhi opt out kara, hum log bhi abhi revoke karne ke liye do bar committee gaya hai, to till amendment is there, gram panchayat jitna bolo kagaz mein official mein nikalo, sixth schedule gram area mein gram panchayat ya village council jari nahi hai, uske liye kya scheme selection kahan mein gaon mein gram panchayat karta hai, yahan mein sab sixth schedule ka MACs karta hai, तो इसलिए ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंट भी एक दो डजंट मीन दैट इट इज करेक्ट। सो लीगली तो उसके एमएससी का नाम हमने देखा है वो लिस्ट में, तो उसमें सरपंच क्यों लिखा था? सरपंच का चीज कौन लिखा है? तो आप असम गवर्नमेंट सवाल करे भी, तो हम लोग तो सरपंच नहीं है। आज के दिन भी लिखने से आपका नाम जेड नहीं बोल के आपका नाम पॉल बोलने से भी नहीं होगा ना, तो एक बात है, एक क्लियर बात है, एज ऑफ नाउ हम लोग एमएससी है, मैं भी एमएससी हूँ, यहाँ का भी एमएससी है, कांग्रेस का भी एमएससी है, कोई लिखने दो, यो दाद नहीं बदलता है, ठीक है, बिकॉज द सिक्स शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारतीय संविधान अमेंडमेंट करने के लिए एक फुल स्टॉप डालने के भी 300 एमपी हाथ उठाए, कभी हाथ उठाया हम लोग के लिए नहीं, सो दिस अमेंडमेंट, दिस फॉल्स न्यूज़ नीड्स टू बी करेक्टेड विदाउट थिंग। साथ ही साथ में जो अभी मेरा भाई ब्रिजेश ने जो बोला आर्टिकल 244 के लिए, जितना बोलो कांग्रेस तो 50 साल रूलिंग है, क्या करा पता नहीं, बट देखिए जब अमित शाह जी आया था
लास्ट मंथ में जो यहाँ में कार्बियोंगलोंग का बीजेपी सीएम क्लियरली बोला था वी विल वन 2448 तो वो तो इट्स अ वर्क इन प्रोसेस। भारतीय जो सरकार भाजपा सरकार इज इंगेज इन डायलॉग विद एवरीवन, सो इन दैट वे आई फील सैड। हम लोग का जो बहुत साल से रास्ता और कम्युनिटी हॉल नहीं होने वाला था वो उसको प्रशंसा नहीं हो रहा। कांग्रेस का कैंडिडेट हम लोग का मेरा भाई निर्मल लंगतासा जी क्या बोला, रास्ता और ये कल्चर चीज़ बाइको लोग तो नहीं लगे, वो तो वहाँ से ख़त्म नहीं होता बोला। बट ये कांग्रेस सरकार बहुत साथ बैठ के रास्ता या कुछ अपना कल्चरल आइडेंटिटी सीख वो भी तो नहीं कुछ नहीं करा है, नहीं बोलेंगे बट आगे नहीं बढ़ाया है। तो अभी भाजपा सरकार ने इतना आगे बढ़ाया है कि हम लोग का मुर्दा यहाँ में आया, इंफ्रास्ट्रक्चरल बीन रोड्स बीन वाटर सप्लाई बीन एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत 50 साल हम लोग दे दिया है। भाजपा सरकार अभी 5 साल स्टेट में है, काउंसिल में भी तो 5 साल ओवरऑल आधा आधा लेके है, बट हम लोग 3 साल यहाँ का काउंसिल है। हम लोग का मांग, हम लोग का मेन इश्यू मुर्दा को है कंटिन्यूएशन ऑफ द डेवलपमेंट। हम लोग जीत के फिर करेंगे नहीं बात करता है, जीता हुआ। कल इस इशू में कांग्रेस पार्टी का डीमा हसाव डिस्ट्रिक्ट का स्पोक्स पर्सन मिस्टर समरजीत हफलोंगबर ने एक बात बताया कि जब उस समय 2012 के बारे में आपने जो बताया उस समय का एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये डिसीजन लिया गया और इसको फॉरवर्ड किया गया सेशन में। ओके, तो सेशन में जब किया उस समय आप भी तो उसी पार्टी में शामिल थे, उस समय आपका स्टैंड क्या था? मैं भी था, रानू लंगतासा था। हम लोग का स्टैंड तो हाईकमांड का डिसीजन आके होता है बहुत चीज़, हम भी याद था जेबी पटनायक गवर्नर ने जाके बोला आप लोग पास करो, बोल दिया। तो इसलिए रानू आज के दिन में रानू लंगतासा और मैं 2015 लास्ट में हम लोग एक पार्टी क्यों छोड़ दिया आज का दिन में, सोचिए। इसे मैं फुल हार्टेडली अभी एक बार पार्टी छोड़ा मैं छोड़ने वाला ना हूँ। दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स विच रानू लंगतासा मैडम एंड सैमुअल चांगसन, अभी मैं PNRD का EM हूँ, मैं क्यों वी आर अगेंस्ट दिस फॉर द विच आर CM साहब थिंक। हम लोग वो उसके वजह से कांग्रेस पार्टी छोड़ा है, ब्लाइंड हाई कमांड जो डायनेस्टिक रूल चीज़ उस समय पंचायत के लिए भी हम खुद देखा है। ठीक है, हम आते हैं फिर से, अभी हम फिर से इस जो जवाब दिया इसका फिर आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ श्योरली, जैसे हम लोग का जब EM साहब ने बोला है कि 2012 का बिल लेके, तो उसमें हम पूछना चाहूँगा कि उस बिल अप्रूव हुआ कि नहीं, तो गवर्नमेंट गवर्नर जी को जब हमने सबमिट किया प्रपोजल उसको अप्रूव करने के लिए, वो अप्रूव हुआ कि नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन हो गया कि जो GPTP जो है 25 सितंबर को यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि वो खुद EM साहब PNRD का वो EM है इंचार्ज है, उसमें भी लिखा है कि इसमें जो क्लियरली लिखा हुआ है हम पढ़ के सुना देता आपको, थोड़ा शॉर्ट में बताइए। ओके, उसमें बोला कि ये GPTP स्टेट का गाइडलाइन फॉलो करेगा, उसके लिए हम लोग का जो चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर है उसका अप्रूवल है। तो ये क्या ये GPTP अंडर काउंसिल या अंडर स्टेट गवर्नमेंट, वो क्वेश्चन नंबर टू। और वो बोला है कि जो बाइको और रोड बनाने से डेवलपमेंट नहीं होता, तो उसको हम बताना चाहूँगा कि किसी ने उसका फुल स्पीच नहीं सुन के उस वीडियो को डॉक्टरेट करके वो अभी सोशल मीडिया में वो चला रहा है, तो हम लोग उसका लीगली हम लोग उसका कुछ कंप्लेंट करेंगे। तो हम पूछने उसके बाद तो है और भी एक चीज़ है, फिलहाल रिसेंटली जो 10 February 2021 को तो एक निकला असम गवर्नमेंट ने कि बोला कि हिल्स एरिया डेवलपमेंट असम 6 शेड्यूल काउंसिल डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, तो उसको हम लोग नॉट ओनली कांग्रेस दूसरा NGOs और पॉलिटिकल पार्टीज पे उसके अगेंस्ट में वॉइस रेस किया, तो अभी इलेक्शन सामने आ रहा है बोल के वो लोग उपाय नहीं है, तो इसीलिए वो लोग एक फिर से रिजोल्यूशन लिया कि इस डिसीजन को लोग ड्रॉप किया बोल के। तो आप देखिए तो BJP जो गवर्नमेंट है वो लोग डेवलपमेंट का कार्ड खेल के, लेकिन अंडर से जो 6 शेड्यूल का जो पिलर है उसको टूटाते जा रहा है एक मतलब वन ऑफ द अनदर। तो हम लोग के लिए तो वो नहीं है, हम लोग के लिए तो वो क्या बोलेगा जो 6 शेड्यूल में जो हम लोग बसा के रखे हैं हम लोग को, तो अगर टूटाते जा रहा है तो हम लोग को तो वो तो खतरा है फ्यूचर को लेके। तो हम लोग का एक जनता से एक अपील है कि BJP गवर्नमेंट का एक ड्यूअल स्टैंडर्ड को आप लोग तो ड्यूअल स्टैंडर्ड है वो लोग का, बाहर में कुछ और बोलता है और अंदर से कुछ और काम करता है, तो आप लोग को समझिए वो लोग सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेगा लेकिन अंदर से वो डेवलपमेंट नहीं करेगा, वो हम लोग का फ्यूचर को लेकर हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अभी।
ठीक है। इस मुद्दे को लेकर हम आएंगे हाफलोंग में, हम जो बोथ पार्टीज का कैंडिडेट्स को लेकर हम डिबेट रखेंगे इस इशू को लेकर, और भी आगे हम बातचीत करेंगे। फिर से चांगसन जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हम लोग का कांग्रेस का यहाँ का लीडर जो बोला था जो ही बात है, वो पूछा था पंचायत आज के लिए क्लियर होने दो, पंचायत बोला आप जारी है कि नहीं, वो पूछा, वही बात बोल रहा है कांग्रेस। अभी ओपोजिशन में होके प्रोटेस्ट करता पंचायत जारी ही नहीं, पंचायत वापस ले लो। अभी हम लोग बीजेपी सरकार होके कुछ ऑफिशियल मैटर में कॉरेस्पॉन्डेंट करा, कांग्रेस तो कुछ ऑफिशियली नहीं करा, ऑफिशियली रिकमेंड करा है, ऑफिशियली उसको कुछ वापस भी नहीं लाया, वो एक नंबर। सेकेंडली जीटीपी भी बोला आज के दिन में उन लोग वहाँ स्टेट से और जीटीपी भी लिखने से भी हम लोग को करेक्शन कराया, कॉन्स्टिट्यूशनली दिखाया। तो यस, आज के दिन में दिमासाओं में कॉन्सेंसी डेवलपमेंट प्रोग्राम सीडीपीपी से चलता है ऑल एमएससी का। लास्टली जो आप जो पूछा, आई कान हेल्प बट कमेंटिंग, हम लोग का जो एमएलए का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है, एमएलए पावर इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द काउंसिल। सो बीजेपी का जो काउंसिल का डेवलपमेंट जो प्रोग्रेस दिखाया, वो एमएलए का अचीवमेंट है। हम लोग पार्टी से भी पार्टी, आदमी से पार्टी बड़ा है, इसलिए बीजेपी कभी आदमी से नहीं हुआ है। ऐसा कोई एमएलए स्कीम का नाम कुछ बताइए आप। देखिए, एमएलए स्कीम का तो बहुत सारा कुछ नहीं, बट मोस्ट ऑफ स्कीम्स, मोस्ट 90% ऑफ द स्कीम्स आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड द काउंसिल इन द डिस्ट्रिक्ट। एमएलए डायरेक्टली विद द डिप्यूटी कमिश्नर है कि नहीं, आप लोग तो सब मालूम है। तो इसके एमएलए का जो अचीवमेंट इज द काउंसिल अचीवमेंट इज वन एंड द सेम for the district when we are working together is both the same. You cannot alag alag MLA alag hai, council alag hai, nahi, kyunki hum log bhajpa ka tha, we take it that way. So MLA abhi to sitting MLA thoda kamzor ho gaya tha, health issue tha, to ek do saal abhi ke liye wo khud ticket nahi manga hai, naya candidate hum log ja raha hai, ye baat hai. Thank you. Fir se hum aate hai abhi. Acha jab thoda der pehle jo hum log EM sahab ne bola ki wo jo 2012 ka jo baat leke kuch bola कि वो कंटिन्यूशन में नहीं है, तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, उसमें बोला कि वो 2012 का जो प्रपोजल था अप्रूवल के लिए, वो था अंडर विलेज काउंसिल के लेके, क्योंकि विलेज काउंसिल ये है कि उसमें भी हमका सिक्स शेड्यूल में एक हमका एक राइट दिया गया है कि अंडर 244 आर्टिकल ए क्लोज, सॉरी अंडर 244 आर्टिकल क्लोज 2 पैरा 3 1 ई, उसमें हमको एक पावर दिया गया है कि हम लोग काउंसिल का अंडर में हम एक विलेज काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करने सकेगा बोल के, तो उसके तहत हम लोग एक प्रपोजल दिया था, और उसके साथ साथ जो डीएसटी वो डीएसटी एंड डीएसटी जे उसका जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट था एमओएस, उसमें भी लिखा हुआ था कि 6.2 उसमें लिखा था कि आइदर ग्रास रूट तक डेवलपमेंट जाने के लिए आपका वो आइदर थ्रू विलेज काउंसिल और ग्राम सभा का थ्रू से रोड डेवलपमेंट पहुँचना चाहिए, तो एज पर उसका लेके हम लोग एक प्रपोजल दिया था कांग्रेस गवर्नमेंट, तो अभी तक तो वो अप्रूव हुआ ही नहीं, वो तो आप कुछ समझ साहब ने बोल दिया अप्रूवल हुआ नहीं, और उस अप्रूवल नहीं होने वाला को वो लोग 29 अक्टूबर को 2019 को वो लोग फिर से एक रिजोल्यूशन लिया कि बोला कि ये 2012 का जो बिल भेजा गया अप्रूवल के लिए उन लोगों हम लोगों ने विड्रॉ करता है बोल के, जो चीज़ हुआ ही नहीं अप्रूवल उसको फिर विड्रॉ करने के लिए कागज़ भेज के फ़ायदा क्या है। तो हम लोग का क्वेश्चन है कि 25 सितंबर का 2019 में वो GPTP एज पर स्टेट गाइडलाइन से फॉलो करने के लिए उसको अप्रूवल हम लोग को CM साहब दिया क्यों, और उसके बाद ग्राम पंच गाँव पंचायत का जो वेबसाइट है उसमें हर एक MSC को इवन CM उसको MSC को जगह में पंचायत सरपंच बना दिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को ग्राम सभा बना दिया गया, क्यों उनको क्या उस जानकारी नहीं था? तो ये जो सरपंच बना दिया कई कहाँ में ये लिखा है? आप जाके पंचायती राज का इंडिया का वेबसाइट में देखिए, आप मिल जाएगा आपको, तो उसमें दिमाशा स्टेट सब लिखा हुआ है, आपको अब मिल जाएगा, लगने से हम लोग कॉपी भी दे देगा आप गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट में। यस यस, गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट में है, तो उनको बस अब कोई जवाब नहीं है, वो क्यों अप्रूवल वो फॉलो किया बोल के हम लोग जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका कुछ जवाब नहीं है। आप देखिए विलेज काउंसिल अलग चीज़ है, GPTP गाँव पंचायत अलग चीज़ है, क्योंकि हम लोग विलेज काउंसिल अंडर काउंसिल हम लोग बना सकता है, लेकिन ये जो हम लोग का जो वो है गांव पंचायत, वो हम लोग का सिक्स शेड्यूल के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, हम आते हैं फिर से इस इशू को लेकर, हम और भी डिबेट करेंगे आने वाले दिन में। अभी फिलहाल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, फिर हम उनसे पूछें क्या बोलना चाहते हैं। और ये राजिंग स्कैंग हम इबुनी गाँव पंचायत और विलेज काउंसिल ने बारे हा हो जाएगा बुन फैदा जिंग लाइलेंगे लॉकडाउन जमान कमाइन कंगा
आसाम दिसपुर सिकाटार रिटायर और आईएस और आईएस रिटायर लाभ दादा जिन नोलैन नोलैन गाम लंग दादा मासीबुन बस ना जी बुझी फास्ट उपस्थलाइ हमजो हमजो ना जी जिस फास्टे मिट्टी नंगा उपस्थलाइ मानस आसमानो जिस ना जी बोले दादा जिन सिरी फायबा उलिब हा बिली फायमा नंबर लाफाया चिकाबो उलिब जिन खेतीबा जैसे हेरबे रुलिंग पार्टी फिसार मानी अर्गनाइज लाइबा चिकाबो जिन नालेबो कंग्रेस गबादाया बीजेपी गबादाया खेब फार्स गबादा जिन एस ए हाउसिंग सामसाला यहां यहां खिटन खिटन रिमान लाइए जिन हाउसिंग रिक्शा दबे जिंगला जा जिन खुशा मानस मबाइल दंगफल दांगीन थमा जिन हारबाना माइसी मानस हारबाना मानस जिंगला पार्टी वार्कम जलाफु सर एस ए स्ट्रंग स्टूडेंट अर्गेसन नांगे चिकाबो आं रुहा मास आं मिथिबान मथे आं नुबानी मथे विलेज काउंसिल और हे गाँव पंचायत बारे थैसेन सिम नांगजोबा जे आसाम पंचायत एक्ट 1994 Part 9 of the constitution provides for constitutions of the panchayats. However, Article 243M excludes the tribal area of the 6th schedule from the operation of this part. Man ira rabani motaya Assam Panchayat Act 1994 bu 6th schedule ha aspan tarajamo lagu japhia uli chikabo GPDP bula ang nuwale chikala आसाम पंचायत एक्ट नि अंडार आसे माने आं सिमान मथे दौ आं मिथिबान मथे बु माने इरा बु विलेज काउंसिल सिं बा पंचायति पंचायत सिं बुला मासि ग्रास लेभेल हा ग्रास रुट गभर्न बेटार गभर्नमेन्ट गभर्नेन्स क्लेसि माने खाम दं माने खारबसन गिरि दं माने लकेल सुं याव एला मानसि बुला सायबाथि शर्टकाट आं क्वेस्चन सिं ना दोहानिंसि ग्राम पंचायत बु एरा इम्प्लिमेन्ट जाखाना जाया बुखिला आंला नुखा ससियल मिडिया हा सिखाबो आं माने गिबिना मसला थारमायाखौ सिखाबो नुबाले सिखा ब्लक ब्रेन नुबाले सिखाला बुखिला पंचायतला नुदु सिखाबो आं इबाथन आरसे रिम बावदु बुंदा थारमायनां सेरबाय सेरबा क्रिपोलिटिक्स नरा इदिबो सिलाबा ओदिबो सिलाबा सिखाबो जोंना न्यूट्रल ग्रुप गिबिखि जमा नांदु सिखाबो इराहा बिदि जामा नांग्रि सिखाला इराहा काउन्सिल जे अथ'रिटि जे काउन्सिल साराव इराहा इरा कुनु दिन इराबु एमेन्डमेन्ट जाय दुसि पंचायती राज दे पंचायती एक्ट दे इम्प्लीमेंट जाफिया जुदि इरा साखा सिखाला बु बि आई नि से माने बु इलिगेल इलिगेल से उदिबान इराज का हमसे फ्रेम्स लांगमा फ्रेम्स लांदा से मेगावला दं बलाय मेजोरा मा दं बल विलेज काउंसिल दं दा विलेज काउंसिल ला अंडर 6 शेड्यूल लागलाय दु सिखा बु पंचायती एक्ट ला 11 शेड्यूल लागलाय दु सो निसि पंचायत राज सिस्टम के सपोर्ट लाय नाखलाय नाय नेवर नेवर ना आस्ता खलाय बिदि सिखाला जिंला राजा विलेज डेवलपमेंट काउंसिल बुखे जिं सपोर्ट लाय दु विलेज विलेज डेवलप विलेज काउंसिल ला बुला जिना उरा प्रोटेक्शन दं ट्राइबल निखलाय दादा उरा जिंसे फ्रेम स्लाम लामा काउंसिल ने बुनो अथॉरिटी काउंसिल सराव से उरा फ्रेम स्लाम दादा बुनि फंक्शनिंग इदि जामा बिलास कुनि इदि जामा सादा बुके गवर्नमेंट अप्रूवल ना हायमा बुसे फिट इम्प्लीमेंट जामा स्कल जिन ग्रास लेवल ला डेवलपमेंट जामा स्कबो पंचायत बुरा स्लाब ऑलरेडी स्लाम ब्लेब्स दि ओरेबानि आं खानसि दो छिर आसपा रुलिंग फाइसिं बुके जिनि फ्युचर बारा दोमन हम दोमन लाय दा जिनि सिक्युरिटी लाय काउंसिल नि दुहा बदों को दुहान ले प्रेजेंट बुसिन दों को बुसि इमीडिएटली फ्रेम फ्रेम वर्क लाइ दादा बुके एप्रुभल मारि मानाव निया खारे जिं डेंजर दे दं गिरि निया बिदि स्काला नाय जिं दिमासार वल ट्राइबल मांगिया बु आसाम गोपिनाथ बडलि नानि इरा मावा जाथिसिन दंबा सेरगिदा ट्राइबल से जिं ना पाय दं बायनाव जाफलां दहबो नाय नुदो ट्राइबल जि खामेथि दं या बुसिखिबो नन ट्राइबल खेबो सिखाबो जिं सिक्युरिटि दं मानाव मासि मासि माबा नों बियार आम्बेडकार ड्राफ्ट कन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट लायबा नों बो ड्राफ्ट लायबा नों इबिसि स्पेशल जाजे से इबिसि दारा दिसा गिबिन दंथाय दिसा गिबिन नेवाय थे गिबिन इबिसि स्पेशल पावर एक प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन रियाज खादि इबिसि मुला जाव सिफा फुना निया सानसि गमा हिमा से स्टेज बिखे रिबाब खिजि मथम मानां दु पंचायती राज गिबि जाखा जाय थारमाय आं थारमाय दां इदि थिखाव आन जाया आन बुरा सुन स्पिड दं ओबा नां आथे रिमाय बथनि आथे रिखान बु बायगु नां नाजि गिबि जाबा गि जाया बु गिबि सेस खासे अपोस लायबा लायगा जों वेदर क्लाइमेट फ्लाइट दा तो अभी बता कि आचू की तरफ से ए पंचायत राज सिस्टम को पूरी तरह से अपोज करता है और आजसू की तरफ से जो सपोर्ट करता है वो है विलेज डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि जो एमओएस में मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट में जो अंडर 6 शेड्यूल के अंदर में जो विलेज डेवलपमेंट काउंसिल है ये चीज़ को वो लोग सपोर्ट करता है लेकिन पंचायत राज सिस्टम को वो लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते लेकिन वो बहुत ही जल्द जैसे बताया कि आरटीआई देने वाला है कि आखिर सच क्या है पंचायत राज इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं ये आने वाला दिन में पता चलेगा बहुत बहुत धन्यवाद आज की हमारे इस शो में डीमा हसाओ से लेकर दिसपुर तक का इस शो में जो
कालाचान कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत पार्टी कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से लोग आए और आज ऐसा लगा है कि सच में डीमा हसाओ में भी डेमोक्रेसी जो मेंटेन हो रहा है, ऐसा लगा है कि बहुत पॉलिटिकल पार्टीज आज आए, डिबेट किए हैं एक दूसरे से। आने वाले दिन में भी इसी तरह डिबेट होना चाहिए, जितने ही ज़्यादा डिबेट होगा उतने ही जो फाइनल जो लोगों का प्रोडक्टिव जो रिपोर्ट जो है वो मिलेगा और सच्चाई जो जानने का मौका मिलेगा। इसी तरह आगे भी डिबेट में आके पार्टिसिपेट करना चाहिए। और आप लोग हमारे आज के इस शो में आने के लिए टीम एनडीएच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप सभी को। तो इसी तरह ये आज का ये जो डीमा हसाओ से दिसपुर तक ये प्रोग्राम को हम और भी अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम जाएंगे, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में विजिट करेंगे, लेकिन मुद्दा होगा वही सेम। हम आपको बताएंगे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, एक्चुअल हो क्या रहा है क्या, कौन सही है कौन गलत है, आप लोग ने देखा है सुना है और आप लोग इस सब चीज़ को देख कर सुनकर विचार खुद को ही करना है। आने वाले 1 तारीख को अप्रैल का आप लोग वोट केंद्र में जाके वोट देना है, वोट देने से ही आप लोगों का जो प्रॉपर आप जिसको सोचेंगे वो लीडर को चुन सकेंगे और डेमोक्रेसी का एक हिस्सा बनेंगे आप लोग हर कोई। तो इसी तरह आज की इस शो से डीमा हसाओ की कालाचान कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेता हूं मैं विदाई, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।